हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। इसके अंदर हम एसएससी सीजीएल टीयर वन 2024 का जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, जिसकी आंसर की आई है, उसके अरिथमेटिक के टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। एडवांस के टॉप क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगा, जल्द ही वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा वो मैं आपको तसल्ली से करवाऊँगा, वो अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी इस साल के सीजीएल टीयर वन 2024 के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन छांट के लाया हूँ वो ऐसे छांट के लाया हूँ, मुझे पता है कि किन किन के अंदर स्टूडेंट को दिक्कत होती है, उस हिसाब से ही लेकर आया, ठीक है भाई। तो इसके अंदर हम टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर आप सिर्फ सोल्यूशन नहीं सीखोगे कि कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये तो आप सीखोगे ही सीखोगे ऑफकोर्स, और दी बेस्ट सोल्यूशन सीखोगे, यूनिवर्सल होगा, फास्ट होगा, ईजी होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, आप ये भी सीखोगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाए तो आपको कैसे डील करना है। मैं आपको ऐसे जादुई तरीके नहीं बताऊँगा कि ये देखो हो गया 20 सेकंड में, वाकई में फास्ट करोगे, बट जो आप एग्ज़ाम में कर पाओगे जिस तरीके से, वो तरीका बताऊँगा, और वो फास्ट भी होगा बट वो ईजी भी होगा, ताकि आपके दिमाग में वो आएगा तभी तो आएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको रटवा दूंगा, ठीक है जी। और ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिकॉज ये 35 क्वेश्चन है, तो आप ये मान लो अगर 25 शिफ्ट के अंदर से मैंने 35 क्वेश्चन छाटे हैं तो पर शिफ्ट कितने क्वेश्चन आए होंगे, तो सॉरी 35 नहीं 25 नहीं 36 शिफ्टों के अंदर से मैंने छाटे हैं, 36 शिफ्ट हुई थी, तो यानी कि, और वैसे 35 नहीं है, क्वेश्चन भी 36 ही है शायद, वो इसलिए 35 अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने 35 लिख दिया। तो एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर एक आएगा तो हमें कैसे डील करना है, हमें उसको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, हम इजी क्वेश्चंस को पहले करेंगे, इजी क्वेश्चन कम टाइम में हो जाते हैं, फिर अपने पास थोड़ा सा पर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम बच जाता है, फिर हम इन क्वेश्चंस को वो टाइम देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा है मुश्किल है, ये कंपैरेटिवली मुश्किल है बाकी क्वेश्चन से, तो इनको हम बाद में करेंगे, ऐसे हमने डील करना है। तो टेंशन नहीं लेनी कि अगर मेरे मेंस एग्जाम में ये आ गए तो टेंशन नहीं लेनी। और चाहे आप सीजीएल का मेंस दे रहे हो, सीएचएसएल का मेंस दे रहे हो इस साल, या अगले साल आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है भाई। तो करें फिर स्टार्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाइप ए टेक्स 4/5 ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप बी, और पेन और नोटबुक लेकर आओ और सीरियसली इनको करने की कोशिश करना, ठीक है। पाइप ए को 4/5 ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप बी, पाइप बी के कंपेरिजन में 4/5 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जिसके कंपैरिजन में टाइम लग रहा है वो होता है नीचे वाला, यानी कि पाइप बी को अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो पाइप ए को 4 घंटे लग रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिया टाइम। इसको 5 मिनट, अब घंटों में लग रहा है मिनट में लग रहा है कोई नहीं, इसको 5 मिनट टाइम लगेगा तो इसको 4 मिनट, यूनिट सेम ही होगी। तो अगर सेम काम को करने के टाइम का ये रेशियो है तो इनकी एफिशियंसी का रेशियो होगा इससे उल्टा, क्योंकि जो बंदा फास्ट है वो कम टाइम लेगा, जो बंदा स्लो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो जस्ट मैंने इसका इन्वर्स ले लिया, ठीक है जी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने लिख दिया, एग्जाम में ऐसे आप लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बिजली नहीं टूटेगी। आगे पढ़ते हैं, और हाँ क्वेश्चन बड़ा है, फ्रैक्शन में डील कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ राउंड वन में छोड़ दो, और ऐसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दो 20 सेकंड में उठा देंगे। अरे इसको पढ़ना भी है, समझना भी है, फिर करेंगे हम, शांति से करेंगे और हम करेंगे पेपर में। और हर बार स्टूडेंट ऐसे ही करके आते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ इन क्वेश्चंस को, जो टॉप मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट हैं उसमें भी 50 लेकर आए हैं बच्चे। क्यों लेकर आए हैं, क्या वो 20 सेकंड में उड़ा रहे थे? नहीं, वो राइट क्वेश्चन के साथ राइट डिसीजन ले रहे थे, वो गलत टाइम पर नहीं कर रहे थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने का एक सही टाइम है, तब करते हैं तो ठीक है फिर बढ़िया है, गलत टाइम पर करते हैं तो गलत है, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन को, बाद में इसको समझेंगे और शांति से, देखो मैं एक एक चीज़ समझूंगा और इसी फ्लो में हम एग्जाम में करेंगे। तो जिस तरीके से हम एग्जाम में कर सकते हैं वैसे मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको हैबिट बनेगी, आप भी फिर करके आओगे एग्जाम में। मैं यहाँ पर हवा मारने लगूंगा तो फिर आपकी कभी हवा नहीं बनेगी, आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। चलिए जी, व्हेन एन आउटलेट पाइप सी इज ऑल्सो ओपन्ड साइमल्टेनियसली विद पाइप्स ए एंड बी, ए और बी के साथ पाइप सी भी खोल दें, तो इट टेक्स 4/5 मोर टाइम, इसको 4/5 ज्यादा टाइम लगता है टू फिल द एम्प्टी टैंक देन इट टेक्स वेन ओनली पाइप ए एंड बी आर ओपन्ड। ये बोल रहा है जब सिर्फ पाइप ए और बी खुली हो,
या फिर इनके साथ मैं पाइप सी भी खोल दूं। तो जब बिकॉज पाइप सी एक एम्प्टिंग पाइप है, अगर मैं इस पाइप को खोल दूं तो 4/5 ज्यादा टाइम लग रहा है जब सिर्फ ए और बी खुली हो। तो मैंने क्या बताया, ए और बी का कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि ए और बी को अगर 5 यूनिट टाइम लग रहा है तो उससे 4 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर ए और बी को 5 यूनिट टाइम लग रहा है तो 4 यूनिट ज्यादा, 5 में 4 जोड़ दो तो 9 यूनिट टाइम लग रहा है इन तीनों को फिल करने में। क्यों सर, ये तो ज्यादा है, क्योंकि ये एम्प्टिंग पाइप है, ये यूनिट्स को निकाल देती है, ये पानी को निकाल देती है, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, एफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 9:5, ठीक है। वीडियो को तेज करके देख लेना किसी को, अगर मैं स्लो लग रहा हूँ तो, ठीक है। अदरवाइज मैं बहुत बेसिक में तो नहीं जाऊँगा, बट एटलीस्ट समझ तो आ जाए, पेपर में कैसे करेंगे वो तो पता लग जाए, कुछ फ़ायदा तो हो वीडियो का, ठीक है। अब अपने पास दो रेशियो हैं, एक रेशियो है ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का, और एक रेशियो है ए और बी का। तो दो रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, यहाँ पर सेम वैल्यू को कोई डिनोट करता हो तो देखो, ए और बी के सम को यहाँ पर डिनोट करता है 9 और यहाँ पर भी डिनोट करता है 9। अदरवाइज मान लो यहाँ पर 60 डिनोट करता होता तो मैं 7 से उधर गुणा कर देता दोनों रेशियो को और 9 से इधर कर देता, रेशियो सेम हो जाते। अब सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी 9 डिनोट कर रहा है ए प्लस बी को, इधर भी 9 डिनोट कर रहा है, ठीक है जी। फिर तो दोनों रेशियो का आपस में यूज कर सकते हैं। तो ए की एफिशियंसी 5 है तो बी की 4 है, और तीनों की मिला के कितनी है, तीनों की मिला के 5 है। ऐसा कब होगा, जब सी की एफिशियंसी -4 होगी, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मान लो ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, ये 9 है तो सी की -4 होगी तभी तो 5 आएगी, ऐसे देख लो जाए, ठीक है जी। तो हमें तीनों के यूनिट मिल गए, मिल गए सर, अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। देखो आगे, इफ इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, जब तीनों पाइप खुली हों तो 40 घंटे लगते हैं, तीनों पाइप खुली हों तो 5 यूनिट भरती हैं, तो यानी कि टैंक की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पाइप सी एम्प्टी करना चाहती है तो कितना टाइम लगेगा, तो पाइप सी जो है -4 यानी कि 4 यूनिट निकाल लेती है 1 घंटे में, तो इसको कुल मिलाकर 50 घंटे लगेंगे दोस्त, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, करो। ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स सेपरेटली, ठीक है जी। बोथ दी पाइप्स, कंसेप्ट सीखने का ये फायदा है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हिलता है, मैं इसीलिए आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। जो बच्चे हैं जो अपने साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग जो जुड़े हुए हो, आप बहुत खुश हो गए इस एग्जाम में, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप बढ़िया स्कोर करके आओगे, आप बढ़िया परफॉर्म करके आओगे, ये सल करके भी आए हैं बच्चे, ठीक। ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स सेपरेटली, ठीक है भाई। तो 2 पाइप मैंने ए और बी मान ली, ठीक है। 8 और 10 का एलसीएम है 40, टोटल कैपेसिटी 40 मान ली, 8×5=40, ये 5 यूनिट भरती है, 10×6=40, ये 4 यूनिट भरती है, ठीक। बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए दोनों पाइप खोल दी गई, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड थ्रू दी फॉर्मर पाइप। क्या था, पाइप के अंदर कुछ फंसा होगा कचरा, उसके कारण पहले वाली पाइप में से सिर्फ 5/8 गुना पानी ही बह पाया, कम पानी बह पाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी पाइप में से सिर्फ 3/5 गुना ही बह पाया, ठीक है जी। हाउएवर, लेकिन द ऑब्स्ट्रक्शन वॉज सडनली रिमूव्ड, जो कचरा फंसा था वो निकल गया, एंड द सिस्टर्न वॉज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। मान लो स्टार्टिंग से पानी भर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कचरा निकला, तो इसके बाद जो है सिर्फ 3 मिनट लगी और सिस्टर्न भर गई। कचरा निकलने के बाद पाइप कैसे काम करेगी, कचरा निकलने के बाद जितने भी उसकी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पर काम करेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ मिनट तक चली, हमें पता नहीं कितनी मिनट तक चली, बट एंड में 3 मिनट लगी उसको जब कचरा निकल गया था। अगर कचरा निकल गया था तो दोनों ने मिलकर 5+4 9 यूनिट पानी भरा होगा 1 मिनट में, तो 9×3=27 यूनिट पानी यहाँ भरा गया है। तो यहाँ कितना भरा गया है, 40 में से 27 गए 13 यूनिट, तो 13 यूनिट पानी कितनी देर में भरा होगा इन्होंने, देखें। या तो ये पूछ लेगा टोटल टाइम कितना लगा, या ये पूछ लेगा यहाँ पर कितना टाइम लगा। उसने यही पूछा है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगिन, जब कचरा हट के पूरा फ्लो चालू हो गया, पूरा प्रवाह चालू हो गया, उससे पहले कितना टाइम लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले पाइप ए 1 मिनट में कितना भर रही थी, 5/8 स्पीड पे चल रही थी अपनी से, तो ये भर रही थी 5×5/8 यानी कि 25/8 यूनिट, यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्लस में पाइप बी सिर्फ इसके 3/5 पे चल रही थी, 4×3/5, 4×12/5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5×25 125, 8×12 96,
इज इक्वल टू, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 40। अगर मैं यहाँ से इसको 4 दे दूँ तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, तो ये हो गया 221। इतने यूनिट पानी भर रही थी ये पहले एक मिनट के अंदर, तो 13 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लग जाएगा? तो 13 यूनिट 13 बटे में 221 गुणा में 40, 13 से ये जाएगा 17 पर, तो 17 दुनी 34, 2 6 बटे 17 मिनट, दैट इज ऑप्शन बी। यानी कि ये जो टाइम था जब तक कचरा फंसा रहा था तब तक इतनी देर लगी, दोनों पाइप इतनी देर तक चलती रही, टोटल टाइम पूछता तो 3 और 2 5 6 बटे 17 हो जाता। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम इसको एग्जाम में करेंगे। आगे बढ़ जाएं, देखो रमेश परचेस्ड सम आइटम फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, द बिल जनरेटेड वाज ₹5480। ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नए आने बंद नहीं होंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर देगा। रमेश ने आज खरीदे, परसों खरीदे, इतने रुपए दे दिए, इतने डिस्काउंट पर खरीदे, वो कुछ भी कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एकमात्र इलाज है कब? जब आपके दिमाग पर स्ट्रेस ना हो। दिमाग पर स्ट्रेस कब नहीं होगा? जब एंड में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बचे होंगे, बाकी आप कर चुके होंगे, तो आप कंपैरेटिवली रिलैक्स होते होगे। यार 21 हो गए हैं, 19 हो गए हैं, 20 हो गए हैं, अभी इनमें से छांट के कर लेता हूँ। तब आप इन क्वेश्चन को शांति से पढ़ोगे और आप इनको कर पाओगे, नहीं तो फर्स्ट राउंड में फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप होते हो हड़बड़ी में, रमेश ने 19 को खरीदा, फिर 10 नवंबर आ गया, ये क्या हो गया, आप ऐसे करते रहोगे नहीं तो। ठीक है, तो इस चीज़ को हैबिट में डालो आप। ओके जी, अब शांति से पढ़ो इसे, हर एक क्वेश्चन शांति से पढ़ना, यहीं पर हैबिट डालेंगे तभी तो पेपर में हैबिट डलेगी। ठीक, रमेश परचेज सम आइटम फ्रॉम ए डीलर ऑन 19 नवंबर 2019। ठीक है, द बिल, जैसे ही मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ूंगा मुझे नहीं पता चलेगा कैसे करना है, आगे पढ़ूंगा तब पता चलेगा। द बिल जनरेटेड वाज ₹4480। ठीक है, ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम्स, उसने 10 नवंबर को भी कुछ खरीदे थे, आज तो 19 नवंबर है, उसने कुछ दिन पहले भी खरीदे थे। ठीक है, हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ इतना, ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स दिस टाइम। अच्छा देखो, उसने 19 तारीख को खरीदे, उसने 19 तारीख को जो खरीदे तो बिल कितना बना था? 5480। अब ये बोल रहा है कि उसने 10 तारीख को भी खरीदे थे, 10 नवंबर को, और हैविंग बिल वैल्यू, उस दिन बिल बना था ₹9800। ठीक है जी, ही क्लियर्ड बोथ द बिल्स, अब उसने दोनों बिल को क्लियर किया है। अच्छा जी, दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश। इफ द डीलर गिव्स ए स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 डेज, 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट दे देगा। उसने 10 तारीख को खरीदे, आज 9 ही दिन हुए हैं, तो 10 दिन के अंदर तो है, यानी कि इसके ऊपर 2% डिस्काउंट मिलेगा। एंड 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे ही खरीद लो, दे दोगे रुपए, अभी सामान लिया अभी दे दो तो 5% डिस्काउंट, 10 दिन के अंदर दोगे तो 2% डिस्काउंट, उसके बाद दोगे तो अगली बार सामान नहीं देगा दुकानदार। ओके, देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 नवंबर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, है कोई दिक्कत? अगर हम शांति से पढ़े तो कोई दिक्कत है? बिकॉज ये 10 दिन के अंदर दे रहा है तो इसके ऊपर 2% का डिस्काउंट, ये आज ही दे रहा है तो इसके ऊपर 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले तो मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे भाई एंड में 80, 8 और 4 12, 9 और 5 14 15। अब जो डिस्काउंट है वो मैं इकट्ठा दे दूंगा, अलग अलग देता तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसका 2%, इसका 2% हो जाएगा जी, अलग अलग में भी कोई खास नहीं बढ़ रही कैलकुलेशन। 1% है 98, उसका डबल 180 और 16 कितना हो गया 96, और इसका 5%, तो इसका 10% है 548, तो 54 का आधा है 27 और 4 274, ये दोनों डिस्काउंट मिले हैं इसको, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 4 10, 9 और 7 16 और 1 17, 1 2 और 1 3 और 1 4, ये डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट मिलेगा, इतनी टोटल बिल वैल्यू है, इतना डिस्काउंट मिल गया, तो देखते कितने रुपए देगा, 12 में से 4 गए 8, तो ये तो ट्रेडिशनल, अगर आप भी दुकान पे सामान लेने जाओगे और ऐसे हिसाब किताब करोगे, इतना बेसिक हिसाब किताब तो वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन कब होगा? जब हम शांति से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी, अगला क्वेश्चन ये करो। तब बच्चे बोल रहे थे भाई ऐसा क्वेश्चन आया है, जब तक हमें एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं मिल जाता तब तक हमें यही लगता है कि बच्चे ने मिस कर दी होगी वैल्यू। ठीक है, ओके, ए पेमेंट ऑफ ₹120 इज मेड विद
10 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है जी। 120 रुपये दिए हैं इन्होंने इन कॉइन से। ए टोटल ऑफ 25 कॉइन्स आर यूज, टोटल 25 कॉइन यूज हुए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन्स। देखो, कुछ 10 रुपये के कॉइन हैं, कुछ 5 रुपये के कॉइन हैं, कुछ 2 रुपये के कॉइन हैं। तो मैं ये लिख रहा हूँ, मान लो नंबर ऑफ कॉइन 10 रुपये के ए कॉइन है, 5 रुपये के बी कॉइन है और 2 रुपये के सी कॉइन है। तो टोटल जो कॉइन की संख्या है वो कितनी है, वो है मेरे भाई 25। ओके जी, एक इक्वेशन बन गई। फिर वो बोल रहा है टोटल जो रुपए दिए गए हैं वो 120 रुपये दिए गए हैं, 120 रुपये की पेमेंट हुई है। तो 10 रुपये के ए कॉइन, तो 10 × 8 टोटल पेमेंट हो जाएगी 10 ए की। 5 रुपये के बी कॉइन, तो कितने रुपए हो गए, 5 बी। और 2 रुपये के सी कॉइन, 2 सी। मान लो 10 रुपये के कोई आपको 5 कॉइन दे तो 50 हो जाती है ना वैल्यू, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 10 रुपये के ए कॉइन यानी कि नेट वैल्यू होगी 10 ए। ओके जी, ये वैल्यू है मेरे भाई 120। तो बताओ कैसे करोगे। इक्वेशन तो आ गई 3, सॉरी वेरिएबल तो आ गए 3, ए बी और सी, और इक्वेशन आ गई 2। कैसे करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए इसका, है भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन इसके ऊपर एक और कंडीशन है, फिर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है। ऐसे कैसे, इसके ऊपर एक और कंडीशन है कि ए बी और सी बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। आप ये बोल सकते हो कि हाँ पॉजिटिव इंटीजर बोल लो। जो सिक्कों की संख्या है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना भाई, फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। सिक्कों 2.5 सिक्के तो नहीं हो सकते, या 2 होंगे या 3 होंगे, और नेगेटिव में भी नहीं हो सकते। तो बिकॉज एक और कंडीशन है, तो ए बी और सी इंटीजर ही हैं। तो अब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है इंटीजर ए बी और सी इंटीजर का एक ही सेट हो जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हम कैसे करेंगे सर, देखो एटलीस्ट हम एक वेरिएबल को तो कम कर लें। मैं ऑप्शन से जा सकता हूँ स्टार्टिंग में भी, बट वो लेंथी पड़ जाएगा। हम एटलीस्ट एक वेरिएबल को कम कर लेते हैं, कर सकते हैं हम इसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट, ठीक है। लेकिन उसको नहीं करूंगा जिसका उसने पूछा है। उसने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ रुपीज 10 कॉइन्स। तो 10 रुपये के कॉइन को रिप्रेजेंट करता है ए, ये नहीं है ए को ही खत्म करके बैठ गए फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊं, चलो छोड़ो, ठीक है। तो बी या सी में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं भाई, ऊपर वाले को 2 गुना कर रहा हूं ताकि 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाए, और ऊपर वाले को घटा रहा हूं, तो 2 गुना कर रहा हूं। 10 − 2 = 8a, 5b − 2b = 3b, और 2c − 2c खत्म। 120 में से 50 गया 70, इसको 2 गुना किया और नीचे वाले में से घटा दिया। ओके जी, अब देखो, अब मेरे पास एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भैया ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए, ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इंटीजर हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑप्शंस यूज़ करूँगा, ठीक है। एग्जाम में ये सोच पाना वो भी राउंड वन में मैं नहीं मानता पॉसिबल है। एंड में अगर ऐसा एक क्वेश्चन बचे, ऐसे ही इसके भाई एक दो और क्वेश्चन बच जाए, फिर हम टाइम देकर सोचेंगे, तब हमारा दिमाग चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं जब क्वेश्चन बचे हुए होंगे तो, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ, वो ये बोल रहा है 10 रुपये के कॉइन्स की संख्या है 6। अगर मैं ए की वैल्यू 6 है ना, 10 रुपये के कॉइन को रिप्रेजेंट करता है ए, अगर ए की वैल्यू मैं 6 रखूँ तो बी इंटीजर आ रहा है कि नहीं। अगर बी इंटीजर आ गया तो एक पॉसिबल आंसर है। तो देखो 8 6 = 48, अगर मैं 6 को रखूँगा तो 8 6 = 48, 70 में से 48 गया कितना आ जाएगा भाई, 22। 3b = 22, तो b तो इंटीजर नहीं आ रहा, खत्म। 4 रखूँ तो 8 6 = 32, तो 70 में से 32 गया, ये आ जाएगा कितना, 7 में से 3 गए 4, 38। 3b = 38, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, इंटीजर नहीं आएगा ना b, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रख दूँ a की वैल्यू 10, अगर a की वैल्यू 10 रख दूंगा तो 80 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू तो 70 होनी चाहिए। अब सिक्के नेगेटिव में भी तो नहीं होंगे ना कि ये -10 आ गया, नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो तीनों कट गए, एक ही उत्तर है, खत्म। एक और करेंगे ऐसा क्वेश्चन अगला, उम्मीद आप करोगे खुद, 8 से सेटिस्फाई करते हैं। देखो 8 8 64, तो 70 में से 64 गए 6, यहाँ पर बी की वैल्यू आ रही है 2 3 × 6, हाँ जी यहाँ पर हो गया सेट, ठीक। अगला क्वेश्चन करोगे ऐसे, विल यू डू दी अगला क्वेश्चन, करो वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करके कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये उत्तर है, फिर बाद में मेरा सोल्यूशन देखेंगे आपका ठीक निकलेगा कि नहीं, देखते हैं। आर पेज 100 रुपये, आर ने 100 रुपये दिए टू पी विद 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 1 रुपी कॉइन, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं ए,
बी 2 रुपए के सिक्के हैं बी और 1 रुपए के सिक्के हैं सी, मन ही मन में मान सकते हैं। तो उसने बताया टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 40, यही है ना। हाँ जी, तो मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, ओके जी। और मुझे इतना पता है कि टोटल 100 रुपए की पेमेंट हुई है, तो 5 रुपए के ए सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू बन गई जी 5A, 2 रुपए के बी तो इनकी वैल्यू बन गई 2B, और 1 रुपए के सी इसकी वैल्यू बन गई सी, तो टोटल वैल्यू बन गई मेरे भाई 100। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 5, 5 रुपए के कितने हैं, तो 5 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई ए, तो ए को एलिमिनेट नहीं करूंगा मैं, ठीक। बाकी बी और सी में से किसी को भी कर दो, तो सी को तो एलिमिनेट करना बहुत ही ईजी है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो हो ही जाएगा, तो 5A - A 4A, 2B - B बी, C - C गया, 100 में से 40 गया 60, ठीक। अब उसने हमसे पूछी है ए की वैल्यू, अब मैं ऑप्शन यूज करूंगा, तो अगर ए की वैल्यू मैं रखूँ 16, तो 16 चौके 64, मेरे भाई वो पहले ही 60 से बड़ा हो गया, खत्म। 17 चौके 68, जब 16 ही नहीं हुआ तो कहाँ से 17 होगा, कहाँ से 18 होगा, इसकी वैल्यू ही बढ़ जाएगी। ए की है उत्तर, आंसर डी, ठीक, क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। हाँ जी, अब एक और इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखो ज़रा, आपको कुछ काम की PDF बता दूं मैं, अगर आपको वो लेनी है तो ले लेना मेरे भाई, आपका काम आएंगे। जो अपना टेलीग्राम चैनल है ईवन कोचिंग सेंटर का, वहाँ पर हमने किस किस फॉर्म में PDF डलवा दी है और आप उनको कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट की मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके इकट्ठे ऑल सब्जेक्ट्स की जो कंपाइलेशन होती है वो यहाँ पर डाल दी है, जैसे SSC देता है वैसी, हालांकि इसको मेरे को नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट यूज़ करता होगा, बस दे दी है इन केस किसी आपको किसी भी वजह से ज़रूरत पड़ जाए। दूसरा, जिसको आप यूज़ करोगे मैथ के 36 के 36 शिफ्ट मॉक फॉर्मेट में आपको दे दिए, इंग्लिश में भी दे दिए, हिंदी में भी दे दिए, मैथ के भी दे दिए, रीजनिंग के भी दे दिए, जीके के भी दे दिए, इंग्लिश के भी दे दिए, तो मैथ और रीजनिंग को तो आप एज ए मॉक यूज़ करोगे, ठीक है भाई। मॉक फॉर्मेट, मॉक फॉर्मेट में कैसे दे दिए समझे, अगर आपको मॉक देने पड़े, फिलहाल टीयर 2 वालों को तो नहीं देने पड़ेंगे, टीयर 1 वालों को देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मिनिमम जगह ले रहा है, आपके प्रिंट आउट में भी ज़्यादा वो नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं लगेंगे, और नीचे इसके आंसर की है तो आपको पहले पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर है, ओके जी। तो मॉक फॉर्मेट में मैथ और रीजनिंग को आप यूज़ कर पाओगे, ओके जी। अब सर इंग्लिश और जीके का, इंग्लिश और जीके दो ऐसे सब्जेक्ट हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी होती, उनमें बात है नॉलेज पर, उसके लिए जो PDF आपको यूज़ करनी है इसी टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको हार्ड टू ईजी लेवल, जो हार्डेस्ट क्वेश्चन वो पहले दिया गया है, जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया है या नहीं किया है, तो चारों सब्जेक्ट की दे दी हार्ड टू ईजी वाली, बट मैथ की क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, रीजनिंग की क्यों टेंशन ले रहे हो, कमल सर बनाएंगे वीडियो, आपने जीके की हार्ड टू ईजी और इंग्लिश की हार्ड टू ईजी उसको यूज़ करना है, मेंस में जाने से पहले तो ज़रूर इसको यूज़ करना है, ऐसा क्वेश्चन जो सबसे हार्ड है वो पहले नंबर पर है, ऐसा क्वेश्चन जो उससे कम हार्ड है दूसरे नंबर पर हार्ड है वो यहाँ पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मेंस में जाने से पहले इसके इस कंटेंट को कंज्यूम कर लेना, ठीक। हो सकता है इसमें से रिपीट हो जाए, चांसेस हैं, आपको पैटर्न पता लगेगा किस तरह की चीज़ें वो पूछ रहा है, किस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा डीप में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मिलेंगे मेरे भाई। और आजकल हम है ना फास्ट हो रखे हैं, सबसे सबसे पहले अपडेट देते हैं, ठीक है। तो अच्छा है आपके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन इस तरह के भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दूंगा अभी, फिर बाकी बाद के क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए दे दूंगा बाद में इस तरह के, ठीक है। देखो, अमन बोरोज ए सम ऑफ दिस मच एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपेज दिस मच टुवार्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ, उसने क्या किया उस भाई ने, पहले मैं आपको समझा दूंगा क्या, उसने कुछ रुपए लिए 1,92,08 इतने रुपए लिए, ठीक है, मान लो इस दिन उसने रुपए लिए 1,92,08, फिर उसने क्या किया 1 साल के बाद उसने इसमें से 20,196 रुपये लौटा दिए,
टुवार्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि उसने एक साल के बाद ये रुपए लौटा दिए 20,196। तो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोला गया इसको, प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने चुकाता है, मूल राशि की वापसी के लिए, ठीक है। यहां पर ये इसका प्रिंसिपल है, हाँ जी सर प्रिंसिपल है। तो यहां पर ये जो इसने रुपए दिए हैं इनसे इसका प्रिंसिपल कम होगा, ठीक है। अब देखो तो उसने ये रुपए चुका दिए, अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा या फिर मैं इन वैल्यूज को नहीं लेता हूं, गंदी वैल्यूज है, मैं पहले आपको वैसे समझा दूं। मान लो किसी बंदे ने 300 रुपये उधार लिए, ओके सर, एक साल के बाद उसने 100 रुपये चुका दिए, ओके सर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसके सिर पर 300 ही रुपये उधार थे, हाँ जी सर। अब 100 रुपये चुका दिए तो अब उसके सिर पर कितने रुपये उधार हैं, 200। तो इस पीरियड के लिए उसके ऊपर 200 रुपये उधार होंगे, क्योंकि ये 100 रुपये जो उसने चुकाए हैं ये उसने चुकाए हैं टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल काटा जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्याज लगेगा वो 300 रुपये के ऊपर लगेगा, 300 रुपये का के ऊपर ब्याज लगेगा, और यहां से लेकर यहां तक जो ब्याज लगेगा वो 200 रुपये के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हो कि 300 रुपये के ऊपर यहां पर 15% लगा लो और 200 रुपये के ऊपर यहां पर 15% लगा लो इस साल के लिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 300 रुपये के ऊपर, देखो जो 200 रुपये हैं वो तो यहां पर भी उसने दे रखे थे, यहां पर भी उसने दे रखे थे, तो 200 रुपये के ऊपर तो लगातार आप 30% लगा लो, 200%, 200 रुपये तो पूरे 2 साल के लिए रहे, और 100 रुपये के ऊपर 15% लगा लो, नहीं समझे। देखो टोटल 300 रुपये को दो हिस्से में तोड़ देते हैं, 200 + 100, 100 रुपये तो भाई ने वापस चुका दिए थे ना, हाँ जी सर, तो 100 रुपये तो उसने चुका दिए, तो एंड में वो क्या करेगा, अब 100 रुपये जो है वो इसने इस टाइम के लिए यूज किए थे, इसके बाद उसने 100 रुपये यूज नहीं किए, इस टाइम के लिए उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो 100 रुपये सिर्फ इस टाइम के लिए थे, तो 100 रुपये के ऊपर हम उससे क्या ले लेंगे, क्या बोलते हैं, 15% ले लेंगे, क्योंकि एक साल तक यूज करें, मैं अभी सोल्व नहीं करवा रहा, बाद में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो 100 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ उसने एक साल के लिए यूज किए, हमने 15% रुपये ले लिए, ये 200 रुपये तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके पास थे, तो इसके ऊपर मैं कितने रुपए लूंगा, इसके ऊपर मैं उस कितने परसेंट ब्याज लूंगा, इसके ऊपर मैं ब्याज लूंगा मेरे भाई 30%, ठीक है। तो एंड में वो कितने रुपए देगा, ये 200 रुपये तो उसके पड़े हैं प्रिंसिपल में से, 200 रुपये तो देगा ही देगा, इस 100 रुपये के ऊपर, बिकॉज उसने एक साल के लिए यूज किए हैं, इस 100 रुपये के ऊपर 15% ब्याज देगा, ब्याज थोड़ी दिया अभी तक उसने, और ये 200 रुपये जो हैं स्टार्टिंग से एंड तक उसने यूज किए, इसके ऊपर 30% ब्याज देगा। तो दो तरीके बन रहे फिर इसके करने के, ना दोनों तरीके से करवाऊंगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, देखते हैं जी। देखो स्टार्टिंग से उसने कितने रुपए लिए, उसने रुपए लिए 192208, और उसने रुपए पे कर दिए 20,196, ठीक है जी। 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1, 0, 2, 17। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, दो तरीकों से इसे हम कर सकते हैं। देखो उसने इतने रुपए लिए थे तो वो इतने रुपए तो देगा ही देगा, प्लस में इनका ब्याज भी देगा। ब्याज कितना देगा, जितने रुपए जितने टाइम के लिए यूज किए उतना ब्याज देगा, ठीक है, ओके जी। तो उसने इतने रुपए तो लौटा दिए, ये रुपए उसने लौटा दिए ना, लेकिन कितने टाइम बाद लौटाए उसने, ये जो रुपए हैं ये, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो ये और एक ये रुपया उसने सिर्फ और सिर्फ, उसने सारा रुपया यहां पर लिया था, सारा रुपया उसने ये यहां पर लिया था, ये रुपया उसने सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए यूज किया और लौटा दिया, ओके जी। और ये रुपया उसने 2 साल के लिए लिया, उसने सारा रुपया यहां पर लिया था, कुछ पोर्शन लौटा दिया, तो मैं ये बोलूंगा ना एक साल के लिए लिया और लौटा दिया, और बाकी रुपया उसने 2 साल के लिए लिया। तो जो ब्याज बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा 15% और इसके ऊपर बनेगा 30%। तो उसने टोटल इतने रुपए लिए थे, इतने उसने लौटा दिए, प्रिंसिपल इतना था, तो उसको इतना प्रिंसिपल अभी देना बाकी है,
इतने रुपए तो वो देगा ही देगा, इसके अलावा ब्याज भी देगा। कितना ब्याज देगा सर? इसको एक साल के लिए यूज किया था तो इसके ऊपर 15%, इसको दो साल के लिए यूज किया था तो इसके ऊपर 30%। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है भाई, तो निकालें फिर। चलिए जी, तो इसका 15% निकालते हैं भाई, इसका 15%, इसका 30% तो इजीली आ जाएगा। एक के बाद मैंने पॉइंट मान लिया, 10% हो गया। अब तीन गुणा कर दो, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 17 × 3 = 51। ओके, इसका ब्याज मैंने निकाल दिया। अब इसका ब्याज निकाल देता हूँ, इसका 15%, 15 से गुणा कर देते हैं तो 1% हो जाएगा। ये दो के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 15 × 6 = 90, 1 = 0। इसमें मैंने पॉइंट भी लगाना था क्या? यहाँ पर पॉइंट लगाना था भाई, ठीक है। 15 × 6, और ये कैलकुलेटिव है तो ये टाइम लेगा, इसीलिए मैं शांति से कर रहा हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना हड़बड़ाहट में करें। 15 × 6 = 90, 0, ठीक है। 15 × 9 = 135 और 9 = 144, 14, 15 × 1 = 15 और 14 = 29, 2 और 15 × 2 = 30। तो मैंने इसका 15% निकाल लिया, इसका 30% निकाल लिया, ये मैं जोड़ लूंगा और इसको मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा मेरे भाई, इसके अंदर जोड़ दूंगा। ये जो अपना है, ये तो है अपना ब्याज, ये प्रिंसिपल भी तो देना पड़ेगा भाई को। 17, 20, 12, तो 12, 20, 17, ये लो। 4 × 4 = 10, 81 ला गई। 9 × 1 = 10 और 5 = 15। और मैं इस तरह के क्वेश्चन को यूनिट डिजिट देखकर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अगर पेपर में आऊंगा तो मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गलती तो नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की क्या फीलिंग होती है। 15, 2 × 1 = 3 और 1 = 4, 6, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, 17 × 5 = 22। हाँ ठीक है, मैं कहा यार गलती होगी, ठीक है, ऑप्शन है। इसको एक और तरीके से करें, मेरे को ये लग रहा है शायद मैं उतने अच्छे नहीं समझा पाया, एक और तरीके से इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो, तो उसने इतने रुपए लिए थे, 19, 22, 08, वो ठीक वैल्यू भी ले सकता था, जान कैसे वैल्यू ले रहा। 19, 22, 19, 22, 08 इतने रुपए उसने लिए थे, ठीक है जी, और उसने इतने रुपए लौटा दिए, 20, 196, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब मैंने आपको कैसे बताया कि ये एक साल के लिए यूज़ किया और ये, ठीक है जी, ये करते हैं। देखो, उसने क्या किया, उसने कुछ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए यूज़ किए, 20, 196, ठीक है, और बाकी रुपए, ये जितने भी रुपए बच जाएंगे, ये इसने दो साल के लिए यूज़ किए। ये रुपए तो इसने यहाँ पर लौटा दिए ना, सिर्फ एक साल के लिए यूज़ किए, ठीक है। तो ये मैं एक बार निकाल लेता हूँ, इसके ऊपर मैं निकालूंगा जी 15% और इसके ऊपर मैं निकालूंगा 30%, तो 15% + 15%, तो मैं ये कर सकता हूँ। देखो, कुछ रुपए उसने एक साल के लिए यूज़ किए क्योंकि उसने एक साल के बाद ये रुपए लौटा दिए, ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ 15% ब्याज लगेगा। जो बाकी रुपए हैं वो उसने दो साल के लिए यूज़ किए तो उसके ऊपर 30% ब्याज लगेगा, जी हाँ 30% ब्याज लगेगा। तो मैं ये कर लेता हूँ, 15% तो पूरे मनी पर ही ब्याज लग रहा है ना, अब बोलोगे जी हाँ मिनिमम 15% तो लग ही रहा है, तो मैं इसका 15% निकाल लूँ, निकाल देता हूँ। तो देखो, तो इसका 1% कितना होगा भाई, 1% होगा दो के बाद पॉइंट, तो 15 × 8 = 120, एक कैरी हो गया, 15 × 2 = 30 और 1 = 31, 15 × 2 = 30 और 3 = 33, 15 × 9 = 135 और 3 = 138, 15 × 15 = 13, 28। तो मैंने पूरे के ऊपर 15% लगा दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये तो मैंने लगा दिया, अब जो बचा खुचा था उसके ऊपर और मुझे 15% लगाना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं एक और काम कर सकता था वैसे, चलो छोड़ो यार इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना। अब जो बचा खुचा है, 8 × 6 = 2, कितना आया था, 17, 20, 12, 17, 20, 12, अब इसके ऊपर और मैं 15% लगाऊंगा, तो इसका 15% कैसे होगा? मैं ये बोल रहा था कि इसको जोड़ के भी हम लगा सकते थे वैसे, है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करें, देखते हैं। तो इसका ये हो गया जी, 15% लगाऊंगा, 1% इतना हो गया, तो 15 × 2 = 30, 3, 15 × 15 = 3, 18, 1, ठीक है, 15 × 2 = 30, 3, 15 × 7 = 105 और 3 = 108, 15 × 10 = 25, ठीक है। तो ये तो मैंने लगाया है ब्याज, इसके ऊपर 15%, सारे पर 15% ब्याज लगा दिया, बचे कुचे पर 15% लगा दिया, ठीक है। तो उसने इतने रुपए दिए हैं, प्रिंसिपल तो देना बाकी है ना अभी, तो ये बाकी प्रिंसिपल है, ये आप जोड़ोगे इसके अंदर, 17, 20, 12, 12, 20, 17, चलो भाई 1,
दो और दो चार और एक पाँच। मैं भी चेक करना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। आठ और आठ सोलह एक, आठ और दस दस पंद्रह और एक सोलह एक, सात और चार ग्यारह और एक बारह, ये 22, 64, 45। क्लियर है। एक और काम हम कर सकते थे, इसको एक और तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है आपने, वैसे वो बताऊंगा तो हो ही जाओगे। देखो मैं इसके ऊपर 15% निकाल रहा हूँ, देखो मैं पूरे के ऊपर 15% निकाल रहा हूँ, एटलीस्ट 15%। आप बोलोगे जी हाँ सर, और एक और वैल्यू है बची खुची, मैं उसके ऊपर भी 15% निकाल रहा हूँ। तो मैं 15% निकाल रहा हूँ इस वैल्यू का और जो बची खुची है इस वैल्यू का, तो क्यों ना मैं इनको जोड़ लूँ और फिर 15% निकाल दूँ, इकट्ठा एक बार में ही निकल जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप इसका 15% निकाल रहे हो हैं, आप पूरे का 15% निकाल रहे हो, फिर बचे हुए का 15% निकाल रहे हो, आप एक बार इनको जोड़ लो, बात एक ही है। ठीक, क्लियर है, उम्मीद है भाई ये समझ में आ गया हो, अदरवाइज तो क्या ये पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन आपके करने के लिए, अगर ये वैल्यूज ईजी देता तो ये और अच्छे समझ में आता, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना यार समझ में आया कि नहीं, मेरे को इस पर डाउट हो गया कि मैं अच्छे से बता पाया कि नहीं। ठीक है देखो, पर्नब बोरोज ए सम ऑफ दिस मच एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज। मैं एक बार इसकी टाइमलाइन आपको बना के दे दूं कि भाई ने यहां पर रुपए लिए हैं 5,98,397 इतने रुपए लिए, ठीक है, और यहां पर उसने कुछ रुपए पे कर दिए, घटा दिए, कितने 24,284। इस पूरे के ऊपर ब्याज लगता दो साल तक है, तो इस पूरे के ऊपर एक साल तक तो ब्याज लगा, जी हाँ सर पूरे के ऊपर एक साल तक लगा, फिर इतने रुपए घट गए, जो बचा खुचा उसके ऊपर फिर एक साल तक लगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक, मैं ऐसे सोच रहा हूं, मैं अपने दिमाग में कैसे सोच रहा हूं मैं आपको बताता हूं कि 598,397 इसको दो हिस्सों में बांट दिया मैंने, एक तो उसने जो रुपया दे दिया, तो जो रुपया उसने एक साल के बाद दिया वो तो उसने एक साल तक ही यूज किया ना, तो इसके ऊपर मैं एक साल का इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, और जो बचा खुचा रुपया वो तो उसने दिया ही नहीं, दो साल के बाद दिया, तो उसके ऊपर मैं दो साल का ब्याज लगा रहा हूँ। वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सात में से चार गए तीन, अब बढ़िया बता पाया, नौ में से आठ गया एक, तीन में से दो गया एक, आठ में से चार गया चार, नौ में से दो गया सात, इतनी बड़ी वैल्यू में ऐसे ही होएगा सब ट्रैक्शन, ठीक है टेंशन मत लेना, सब ऐसे ही करेंगे। तो ये जो रुपया है ये तो उसने एक साल के बाद दे दिया, ये उसने दो साल के बाद दिया है, तो ये तो उसने दे दिया, इसमें से इतना रुपया तो उतर गया, अभी इसका ब्याज देना है एक साल का, इसका ब्याज देना है दो साल का, और ये भी देना है, ये तीन चीजें जुड़ के उत्तर आएगा, समझ गए, आर यू रेडी गाइज। तो मैं इसके अंदर इसका ब्याज जोड़ दूंगा 20% और इसका ब्याज जोड़ दूंगा, बिकॉज ये दो साल तक यूज किया 40%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। तो कोई एक मेथड रटना नहीं है, कहीं आप रट लो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऐसे रट लो, किसी एक मेथड में आप अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर लो, बस कर लो, टाइम लेके इसको कर लो, एनफ। ठीक है जी, तो इसका 20% कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका 20% भाई 10% तो ये हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसका डबल कर देता हूँ, चार और चार आठ, आठ और आठ सोलह, दो और दो चार और एक पाँच, चार चार आठ, दो और दो चार, इसका 20% निकाल दिया मैंने, इसका 40% निकालना है, तो 10% ये हो गया, मैं चार गुना कर देता हूँ, चार थी बारह, एक चार एकम चार और एक पाँच, चार एकम चार, चार चौके सोलह, चार सात अट्ठाईस और एक उनतीस, दो चार पंजे बीस और दो बाईस, ये तो पूरा ब्याज बन गया, मतलब ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, इसके ऊपर एक साल का ब्याज, इसके ऊपर दो साल का, अब ये भी तो देना है, इसको साथ में ही रख के कर दो, तेरह आगे आ गया जी, इकतालीस और आगे आ गया सत्तावन, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, दोनों बराबर हो रखे हैं, इधर देखते हैं, आठ और दो दस एक, पाँच और तीन आठ और चार चौदह और एक पंद्रह एक, पाँच और चार नौ और दस और एक ग्यारह एक, आठ और चार चौदह एक पंद्रह और एक सोलह एक, नौ और एक दस और आठ अठारह एक, सात और दो नौ और एक दस, पाँच और दो सात और एक आठ। बस ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपके दिल में होता है ना, हे प्रभु बस उत्तर मिल जाए, तो सबके मन में होता है ऐसा, क्योंकि क्या पता कहीं छोटी मोटी गलती हो जाए और ना हो। तो आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको दूंगा HW के लिए, ठीक, चाहे भले ही इस वीडियो को दो तीन दिन में टुकड़ों में देख लो, बट देख लेना फायदा रहेगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स Y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है जी, 10% ऑफ द वोटर्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, वाइल, तो अब मैं आपको ये बता दूं
इलेक्शन के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो रैंडम कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर देता है तो हम एग्जामिनर को फॉलो करते जाते हैं, एक एक खास टाइप है जिसके अंदर सक्सेसिव चेंज आता है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन आप उस क्वेश्चन को पहचान पाओ इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो कि मान लो किसी शहर के अंदर टोटल पॉपुलेशन है कुछ उस शहर की, तो सारी की सारी तो वोट नहीं देती, कुछ तो एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, कुछ एलिजिबल नहीं होते। भाई छोटे बच्चे तो एलिजिबल नहीं है ना, 18 से छोटे, ठीक है। जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो सारे वोट देने थोड़ी जाते हैं, कई तो वोट देने नहीं जाते, कुछ वोट कास्ट करते हैं कुछ वोट को कास्ट नहीं करते, ठीक है जी। जो वोट को कास्ट करते हैं सारे पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, सारे वैलिड वोट थोड़ी डालते हैं, कई नॉट वैलिड वोट डाल देते हैं हड़बड़ी में, जैसे आप सिली मिस्टेक करते हो ऐसे, उनसे भी गलती से सिली मिस्टेक हो जाती है, तो नॉट वैलिड वोट डाल देते हैं। और जो वैलिड वोट हैं वो गिनी जाती हैं, अगर तीन कैंडिडेट हैं तो तीन में बटेंगी, दो कैंडिडेट हैं तो दो में बटेंगी, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो कई बार अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, वो सक्सेसिव होते हैं। सक्सेसिव कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आपने ऐसा क्वेश्चन सुना है कि एक बंदे की कुछ इनकम है, उस इनकम का 10% उसने खर्च दिया एजुकेशन पर, तो बचा कितना, तो बच गया 90%, 10% उसने एजुकेशन पर खर्च दिया। तो आप बोलोगे सर जितनी भी इनकम था उसका 90% बच गया, फिर आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट 25%, बची हुई का 25% खर्च दिया, टोटल का 25 नहीं, बची हुई का 25, तो बची हुई का 75% बच गया। भाई इसका 25% खर्च दिया तो इसका 75% बच जाएगा, फिर जो रिमेनिंग है इसका 30% उसने खर्च दिया रिमेनिंग का, तो फिर इसका 70% बच जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, जो आप खर्च रहे हो वो नई वैल्यू का खर्च रहे हो, तो मैं सक्सेसिव लगा सकता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर इनकम आई थी तो उसमें से इसका 10% खर्च दिया तो इसका 9/10 बच गया। अब यह नई, अब बची कुछ इनकम ये है, अब इसका 25% खर्च दिया तो इसका 3/4 बच गया। अब ये जो बची कुछ इनकम है इसका 70% फिर खर्च दिया भाई ने, सॉरी 30% खर्च दिया इसका, तो फिर इसका 70% बच गया, यानी कि इसका 7/10 बच गया। कई बार इलेक्शन में भी ऐसे ही करता है कि टोटल इतनी पॉपुलेशन है उसमें से 10% एलिजिबल नहीं है, यानी कि इसका 90% एलिजिबल है, जितने एलिजिबल हैं उसमें से 5% ने वोट नहीं दिया, यानी कि इसके 95% ने वोट दिया है, जितनों ने वोट दिया उसके 7% इनवैलिड है, यानी कि इसके 93% वैलिड है, क्लियर है। तो एक तो ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं आपको, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, मजा आएगा आपको। देखो मान लो एक कैंडिडेट ए है एक कैंडिडेट बी है, दो ही कैंडिडेट हैं सपोज, और एक कैंडिडेट को वोट मिले हैं 57%, तो बताओ ये कितने परसेंट वोटों से जीता। तो यहां पर आप लोग क्या करते हो कि 100 में से ये गया 43% निकालते हो, ठीक है, निकाल लो 43, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इसको घटाओगे बोलोगे 14%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ पॉइंट में आती है तो दिक्कत होती है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। देखो अगर मैं वोटों को बराबर बराबर बांट दूंगा तो 50-1 को मिलेंगी, 50-1 को, तो अगर एक बंदे को 50 से 7% ज़्यादा मिली है तो दूसरे को 50 से 7% कम मिलेंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वोट 100% है, दो में आप बांट रहे हो, तो अगर एक 50 से 7% ज़्यादा है तो दूसरा 50 से 7% कम होगा, तो उनके बीच में गैप कितने का हो जाएगा, एक 50 से 7 ज्यादा, एक 7 कम, 7 और 7 14, तो एक को 7% ज्यादा मिली है ना 50 से, तो 14% का गैप है। अगर दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं और एक को वोट मिली है 56%, तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट वोट से जीता, तो आप बोलोगे 50 से 6 ज्यादा मिले हैं, दूसरे को 6 कम मिले होंगे, तो 6 6 12, इस 6 का डबल 12% वोट से जीता है। इसके लिए 100 में से इसको घटाओ फिर इसमें से उसको घटाओ, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, करें अभी एक क्वेश्चन। यहां पर ऐसा ही हुआ, कोई इलेक्शन था, तो जब ऐसे कंटिन्यूअस चेंज होता है तो हम ऐसे फ्रैक्शन लिखते हैं, एक ही स्टेप लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है जी। यहां पर ऐसे ही उसने किया, एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट थे, वाई परसेंट बंदों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। देखो उसने यहां से स्टार्ट किया, यहां से, वो यहां से जनरली स्टार्ट नहीं करता क्वेश्चन, जितने भी एलिजिबल हैं उसमें से वाई परसेंट ने वोट नहीं दिया, तो कुछ ने वोट दिया, ठीक है, जितनों ने वोट दिया उसमें से 10% इनवैलिड थे, तो इसका 10% इनवैलिड थे, तो यानी कि इसका 90% वैलिड थे,
और जो वैलिड वोट हैं वो दो बंदों में बटी, वो दो बंदों में बटी, तो एक को 59.375% मिला, ठीक है जी, वो वैलिड वोट्स, एंड वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484 वोट्स, इतनी वोट से वो जीत गया। अच्छा, उसने सिर्फ यही बोला, हिंदी में क्या बोला उसने, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतने मत मिले उसे निर्वाचित, इतने मतों से घोषित कर दिया गया, तो इसका मतलब है इतने मतों से जीत गया, ये कहना चाह रहा है। अगर ये वॉन लिख देता, मेरे को एग्जामिनर की एक बात गंदी लगती है, एम्बिगुअस क्यों रखते हो चीज़ों, क्लियर कट लिख दो ना, लोगों की इंटेलेक्ट अच्छे से चेक करो ना यार, तुम ऐसे ये बोल दोगे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बता दो उत्तर क्या है, ऐसे ही पूछ लो। वैसे ठीक है, इससे भी पता है, इससे सेंस बना रही है, बट थोड़े से और क्लियरली लिख दो यार, ठीक है। तो इतनी वोट से विनर जीत गया, ओके जी। तो अब ध्यान से सुनो, और टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे, पीपल एलिजिबल टू वोट इन इन दैट इलेक्शन आर 16,000। तो देखो टोटल एलिजिबल लोग थे 16,000, 16,000 में से वाई परसेंट ने वोट ही नहीं दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 100 - y/100। लेकिन मैं कहूँगा ये मत लिखना भाई, कई बार ये वाई जो है ना फ्रैक्शन में भी होगा, 16.66 भी होगा, 12.5 भी होगा, मतलब कोई से। आप ये देख लो, अगर 10% वोटर वोट नहीं देते तो 9/10 आएगा ना, 90/100, 15% नहीं देंगे तो 85/100, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगी, तो ये फ्रैक्शन निकाल लो, परसेंटेज अपने आप मिल जाएगी। तो वो फ्रैक्शन मुझे पता नहीं, मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 10% वोटर्स ने, 10% वोटर्स की वोट इनवैलिड डिक्लेयर होगी, तो 90% बच गए, जितने भी थे उसका 90% हो गए वैलिड वोट, 9/10। अब ये जितने भी वैलिड वोट हैं, एक को मिले इतने, दूसरे को मिले होंगे 100 में से, इसको घटाओ, लेकिन हम इंटरेस्टेड है कितने वोट से जीता, तो मैं 100 में से घटाऊंगा ही नहीं, मैं सीधा ही देखूंगा 50 से कितने ज़्यादा लेके बैठा है भाई, 50 से ज़्यादा लेके बैठा है 9.375, तो इसको मैं डबल कर दूंगा, उतने परसेंट वोट से जीता होगा, तो डबल कर दूं, 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 7 = 14 = 15, 2 × 3 = 7, 2 × 9 = 18, 18.75% इतने वोट से ये जीता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 18.75/100 कर दो या तो, ठीक है, इसका इतने परसेंट, ये इतने परसेंट वोटों से जीता है ना, इतने परसेंट वोटों से, तो इसका इतने परसेंट की वैल्यू ये है, वो ये बता रहा है इतने वोटों से जीता। एक बार फिर से बताऊं मैं, टोटल इतने वोट थे, उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके कारण मुझे इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, कुछ लोग कम हो गए, ठीक है, अभी ये लोग आ गए, इतने लोगों में से 9/10 लोगों की ही वोट वैलिड थी, और जो वैलिड वोट थी उसका जो इतने परसेंट है, इससे एक बंदा जीता है जिसकी वैल्यू ये है, तो इसका इतना परसेंट, इसको मैं एग्जाम में क्या करता, 18 3/4 करता, 18 × 72 = 3, एटलीस्ट मैं 75/4 लिखता, 4/100, थोड़ी सी ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, और आगे लिखता 2484। देखो मैं आपके लिए कोई फैंसी तरीका नहीं लाऊंगा, जो एग्जाम में यूज ना हो सके उसका कोई फायदा नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जाम में यूज होगा, और आपको समझ में भी आएगा और आपको स्ट्राइक भी होएगा। 1 2 3 थोड़ा से उसको 8 से ही काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 × 16 ये रहा, 4 × 16 और 4 से कट जाएगा, 4 × 24 4 × 8 4 × 4 9 से कट जाएगा, 9 × 54 9 × 81 3 से कट जाएगा, 3 से जाएगा 23 पर, 3 से जाएगा 25 पर, तो अपना जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हो गई 23/25, तो क्वेश्चन मार्क के कारण यहाँ पर 23/25 यानी कि 2 की कमी है 25 पर, 25 पर अगर कोई चीज़ 2 है तो 100 के लिए कितनी होगी, 100 के लिए 25 का 4 × 100 8%, यानी कि यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करी वो मैंने 8% के लिए ली थी, 8% कमी करने के लिए ली थी, 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100 - y/100 मत करना, क्वेश्चन मार्क दे लेना, हो सकता है 7.2% उत्तर हो। आगे बढ़ जाऊँ, यह टाइम बड़ा लग गया है ना इन क्वेश्चन में। अब ये एक मैं क्वेश्चन बताना चाहूँगा, देखो वाकई में ये मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी, वाकई में ये क्वेश्चन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि एग्जामिनर ने, मैं उसके अंदर भी बोल रहा था कि मैथमेटिकली तो ये लॉजिकल है नहीं, तो आप इसकी वो लगा सकते हो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि वाकई में अगर एक फंक्शन दो वेरिएबल, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई,
एग्जैक्टली तो ये होना चाहिए मैथमेटिकली कि दो वेरिएबल का एक फंक्शन है, ये एक्स से डायरेक्टली वेरी करता है और वाई से इन्वर्सली वेरी करता है इन टू में कुछ कॉन्स्टेंट। एक्चुअल में ये होना चाहिए मैथमेटिकली, प्लस में सी भी नहीं होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, ये होना चाहिए। फिर मैंने बाद में प्लस सी करके ट्राई किया, उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने देखा एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, फिर वो मेरे को पकड़ में आ गया कि एग्जामिनर ने ये सोचा होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा होएगा इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, आप चैलेंज कर दो कि ये ठीक नहीं है, कंसेप्चुअली गलत है। ठीक है, अगर कोई चीज एक्स के और वाई के डायरेक्टली वेरी करती है तो ऐसे प्लस नहीं आएगा बीच में। ठीक है, अब एग्जामिनर ने इसको कैसे सोचा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद एक्स। तो कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है सबसे पहले वो बता दूं। मान लो एक्स के अंदर कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, वो एक फंक्शन है एक्स के अंदर। ये एक्स के अंदर एक फंक्शन है, ये वाई के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, एक्स और वाई के अंदर फंक्शन है, यानी कि उसके अंदर एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होंगे, ये कहना चाह रहा है। तो अपने आप एक फंक्शन है अपने पास, वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स से, यानी कि दैट फंक्शन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू में एक्स। ये फंक्शन जो है इनवर्सली वेरी कर रहा है वाई से, यानी कि दैट फंक्शन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू में वन बाई वाई। हो सकता है एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो अलग हो, वाई के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो अलग हो। एक्चुअल में जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो आप ऐसे बोलोगे f इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। मान लो a इंटू बी कर दिया मैंने, f कुछ ऐसी चीज है, तो इसको हम मान लेते हैं कॉन्स्टेंट जो मैं बोल रहा था। a इंटू बी की भी कुछ वैल्यू ही होगी। ठीक है कि f अगर इनको हम मर्ज करते हैं ना, इन चीज़ों को, तो मैं बोल रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को मर्ज करते हैं हम। यहाँ से मैंने ड्राइव नहीं किया, अब ये मत बोलना आपने मल्टीप्लाई किया है, ये किया है, ये फिर फंक्शन का स्क्वायर बनेगा। मैं इन दोनों से ड्राइव कर रहा हूँ कि f के सामने x आना चाहिए, f के सामने से नीचे y आना चाहिए, और मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आना चाहिए। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, वो कई बार ओवर स्मार्ट बनता है कोई बंदा क्वेश्चन बनाते हुए, कि उसने क्या किया, उसने इनको जोड़ रखा है कि ए एक्स प्लस में बी बटे वाई, उसने ये फंक्शन बना रखा है। ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो कैसे, देखो डिटरमाइन द फंक्शन, हमने फंक्शन की वैल्यू बतानी है। जब अब मैं इनको रब कर देता हूँ, बिकॉज उसने ऐसे बता रखा है कि फंक्शन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। उसने बोला है फंक्शन की वैल्यू बताओ जब एक्स की वैल्यू 5 हो और वाई की वैल्यू 3 हो। गिवन दैट फॉर एक्स, कि एक्स की वैल्यू जब 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन 15 की वैल्यू देता है। तो फंक्शन हमें वैल्यू देता है 15, अगर मैं एक्स की जगह 0 रख दूँ और वाई की जगह मैं रख दूँ 1, तो ये तो 0 बन गया। तो यहां से मुझे मिल जाता है कि b इज इक्वल टू 15। और अगर x की वैल्यू 1 लें, y की वैल्यू 15 लें, तो फंक्शन हमें 2 वैल्यू देता है, यानी कि फंक्शन हमें वैल्यू देता है 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, तो x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, a इंटू 1 प्लस में b की वैल्यू मुझे 15 मिल ही गई है, तो 15 इंटू में y की वैल्यू क्या लेनी है, y की वैल्यू लेनी है मेरे भाई 15। वाई नीचे आएगा, वाई, सॉरी गलती हो गई मेरे से, इनवर्सली वेरी कर रहा था ना, हाँ ये यहाँ पर इसलिए पकड़ में नहीं आया, ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत विल बी डन हेयर। ठीक है, तो 15 से 15 कट गया 1, तो 1 में क्या जोड़ूंगी 2 हो जाए, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1। तो ये कंसेप्चुअली गलत है, आप चैलेंज कर देना कि भाई ये ठीक नहीं है। ठीक, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो देखते हैं फंक्शन क्या वैल्यू देगा। तो फंक्शन वैल्यू देगा, a की वैल्यू तो मुझे पता है 1, और x की वैल्यू उसने क्या बताई है 5, प्लस में b की वैल्यू क्या है 15, और y की वैल्यू उसने क्या बताई है 3, 3 × 5 = 15, 5 × 5 उसने 10 उत्तर दे रखा है। मैंने क्या किया, मैंने उसका उत्तर मैच किया, बस तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तो मान लो कई बार वो लोग मानते नहीं है ऐसे, तो इसीलिए कि भाई मान लो ये टीयर 2 में आ जाए तब तो आप एटलीस्ट ठीक कर दो कि वो ऐसे सोच रहा है। ठीक है,
एक्चुअल में ये है क्वेश्चन जो कंसेप्चुअली होगा, ठीक है। तो देखो x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y, मैंने आपको क्या बता रखा है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपने करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन जिस वीडियो में मैंने सिखा रखी है, या फिर लिख लेना डायरेक्ट और इनवर्सली वेरीज बाई भूतेश सर, आ जाएगा, ठीक है सर, लिखना पक्का। एक्स वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ, देखो तो जब भी चीज़ें डी से डायरेक्टली होता है, डी से क्या होता है डायरेक्टली, तो जो चीज़ें डायरेक्टली वेरी करें डी से होता है दूसरी साइड, उनको दूसरी तरफ लिखना है डंडे के। और आई से होता है इनवर्सली, जो चीज़ें इनवर्सली वेरी करें उनको लिखना है इसी साइड, आई से ही इसी साइड होता है। ये मैंने आपको रटने के लिए बताया है, लॉजिक उसके अंदर बताया है वीडियो में, देख लेना, ठीक है। तो x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y, अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा है y के क्यूब से, तो y के क्यूब को दूसरी साइड लिख दिया मैंने। एंड इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ z, z के स्क्वायर से इनवर्सली वेरी कर रहा है तो इसी साइड लिख दिया मैंने, ठीक, z का स्क्वायर। अब इसकी, अब ये जो है हर कंडीशन में ये सेम वैल्यू देगा ये चीज, तो वो क्या करेगा, दो सिचुएशन देगा, एक में इन तीनों की वैल्यू दे देगा, एक में दो की वैल्यू देगा और एक की वैल्यू पूछेगा, वही हमने बतानी है। तो देखो वो क्या बोल रहा है, What is this guy saying? वो ये बोल रहा है अगर x की वैल्यू 1/36 है तो मैं x की जगह 1/36 लिख रहा हूँ, x की वैल्यू ऊपर लिखा है मैंने डंडे के ऊपर 1/36, 36 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 है, तो y की जगह मैं रखूंगा 2, तो 2 का क्यूब आ जाएगा जी 8, z की जगह मैं रखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू दूसरी जगह पर, वट इज द वैल्यू ऑफ 800x, 800x नहीं निकालेंगे, पहले x निकाल लें। वैन y इज इक्वल टू 3, तो x को एज इट इज छोड़ दो, x निकालना है ना मुझे, y की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब 27, और z की क्या वैल्यू है, z की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, जो भी कटेगा पिटेगा देखते हैं, 9 तो के 36, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा भाई, भेज रहा हूँ एग्जामिनर, तो x इज इक्वल टू, इन सबको इधर भेज रहा हूँ, 27 ऊपर जाएगा, 4 × 8 नीचे रह जाएगा, और ये 25 इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना 800x की वैल्यू, तो कर दो दोनों तरफ 800 से गुणा, क्या ही दिक्कत है। तो देखो 25 चौके 100 और 8 से 8 गया, तो 800x की वैल्यू है 27, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, ये भी मज़ेदार लगे मेरे को क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वर एम एंड एन वॉक अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। एम एंड एन वॉक एट ए स्पीड ऑफ 5 rounds per hour एंड 2 rounds per hour, तो अब की बार उसने स्पीड जो बताई वो कैसे बताई, वो राउंड्स में बताई है, 5 rounds per hour, एक घंटे में 5 round मार देता है एम, और एन जो है उसकी स्पीड है 2 rounds per hour। वैसे स्पीड कैसे बताते हैं, स्पीड होती है किलोमीटर पर आर, यानी कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बटे में टाइम होती है ना स्पीड, कि भाई कितना डिस्टेंस कितनी टाइम में जा रहे हो, 10 meters per second, एक सेकंड में 10 meters जा रहा है, 20 kilometers per hour, 20 kilometers जा रहा है एक घंटे में। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है वैसे, अगर आप देखो तो ये राउंड क्या है, ये किसको डिनोट करता है, राउंड जो चक्कर जो है, डिस्टेंस कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस है उसी को डिनोट करता है, कि 5 चक्कर मार लिए एक घंटे में, तो ये स्पीड ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ उसने नए तरीके से पूछा है, देखो बट हाँ बेसिक कंसेप्ट वही यूज हो रहा है। मैंने टोटल जो राउंड है उसकी लंबाई मैंने मान ली एक्स मीटर, तो ये 5 round मार देता है एक घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, कितना स्पीड क्या होती है, इसको मैं एक्स किलोमीटर बोल दूं, नहीं तो आप बोलोगे मीटर बोल दिया घंटे में, ये लो और बोलो, ठीक है, पूरा राउंड एक्स किलोमीटर का है, तो एक घंटे में 5 round मार लेगा तो 5x, तो इसकी जो स्पीड है वो 5x है भाई की, ठीक है, कौन है एम, और एन की स्पीड है 2 rounds per hour, तो यानी कि 2x डिस्टेंस करता है एक घंटे में। स्पीड क्या होती है, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एक घंटे में इतना कर रहा है, ये एक घंटे में इतना कर रहा है। हाउ मैनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM, 6:30 AM से पहले कितनी बार क्रॉस करेंगे खुद को ऑन द सेम डे, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ओपोजिट डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन,
यानी कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जब चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो मुझे एक बात बताओ, वो कब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को? जब वो दोनों मिलकर डिस्टेंस को, एक चक्कर को पूरा कर देंगे, यानी कि दोनों मिलकर इस पूरे चक्कर को, यानी कि कितने डिस्टेंस को, एक्स के डिस्टेंस को, दोनों मिलकर, दोनों की स्पीड का सम क्या है, 5x + 2x, 7x। तो डिस्टेंस बटे में स्पीड, इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड से, यानी कि टाइम आ जाएगा कि वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मैंने डिस्टेंस ले रखा है किलोमीटर में, स्पीड ले रखी है किलोमीटर पर आर में, इतने चक्कर पर आर। तो ये आ जाएगा टाइम कि 1/7 घंटे में, 1/7 घंटे में ये मिल जाएंगे, अगले 1/7 घंटे में फिर मिल जाएंगे, अगले 1/7 घंटे में फिर मिल जाएंगे, ठीक है जी। यानी कि 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है जी। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 5 AM से 6:30 AM तक, तो यानी कि 1.5 घंटे भागे हैं ये, 1.5 घंटे चले हैं ये, तो 1.5 घंटा यानी कि 3/2। तो 3/2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो 3/2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, एक बार कितने घंटे में मिलते हैं, 1/7। तो 1/7 से डिवाइड कर दो, 7 * 21/2, यानी कि 10.5 बार, यानी कि 10.5 बार, 10.5 बार नहीं, 10 बार तो मिल गए, 11वीं बार मिलने के लिए बढ़ ही रहे थे, लेकिन आधा ही चक्कर लगा और फिर इन्होंने वॉकिंग छोड़ दी, ठीक है। तो 10 बार रहेगा उत्तर, ऑप्शन है। अब आप चाहोगे ऐसा ही एक हमसे भी करवा लो सर, इतना गिड़गिड़ाओ मत, ये लो यार, पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। चींटी चढ़ गई क्या कोई? सीमा वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, में पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत देर हो गई। करो ये पॉज करके करो। सीमा वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट ए रेट ऑफ 3 rounds per hour। सीमा जो है 3 round per hour मान रही है, तो मैंने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, मैंने मान लिया x किलोमीटर का भैया एक राउंड। अब ये मत बोलना अगर ये मीटर्स में हुआ तो, अरे किलोमीटर में कुछ ना कुछ तो होएगा ही, 0.5 ही होएगा, 0.2 ही होएगा, किलोमीटर में ले सकते हैं इतने से डिस्टेंस को भी, ठीक है। पूरा राउंड एक्स किलोमीटर का है, तो सीमा 3 राउंड मार दे रही है, तो यानी कि 3x per hour, 3x डिस्टेंस जा रही है पर आर, ओके। वाइल प्रिया रन्स अराउंड इट एट ए रेट ऑफ 8 rounds per hour, यानी कि 8x डिस्टेंस मार दे रही है 1 घंटे में, ठीक है जी। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर है, एट इतने PM पर, दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो कब क्रॉस करते हैं, तब तेज वाला भाग के स्लो वाले को पीछे से आके पकड़ता है, तेज वाला आगे चला जाता है और भाग के पीछे वाले को पीछे से पकड़ता है, जब तेज वाला एक राउंड एक्स्ट्रा काट ले पूरा स्लो वाले से, यानी कि ये जो तेज वाला है ये एक राउंड एक्स्ट्रा, एक राउंड एक्स्ट्रा में कितना डिस्टेंस है, इतना, जब ये एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितनी स्पीड से, जितनी इसकी एक्स्ट्रा है स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड से ही तो कवर करेगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 8x - 3x, 5x। जब ये इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर करेगा तो टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में ये पकड़ेगा इसको पीछे से, तो ये पकड़ेगा 1/5 hour में, तो अगर आप 60 से गुणा कर दोगे तो 12 मिनट में पकड़ लेगा ये इसको, तो 11:54 के बाद 12 मिनट, तो 6 मिनट पूरे हो गए, 12 बज गए और 6 मिनट और रह गए, 12:06 PM, ऑप्शन ए, PM है ना वहाँ पे। ओ हो, मज़ा आ गया, मतलब वेरी वेरी मच मज़ा कमिंग, क्योंकि 12:06 AM होगा, है ना, ये PM रात वाला PM है ना, PM तो रात को होता है, तो रात को PM, फिर उसके बाद AM स्टार्ट हो जाता है, फिर 12:06। अच्छा, तो यहाँ पर कई बच्चे फंसे होंगे इसमें, इसीलिए क्वेश्चन इतने बच्चों ने गलत किया होगा बेचारों ने, मैंने भी देखो फ्लो फ्लो में पहले मार दिया। जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिले ना, एक बार वेरीफाई कर लिया करो, मेरी तो आदत बन चुकी है, AM भी है तो क्या वेरीफाई करो, हड़बड़ी में रहोगे तो क्या वेरीफाई करोगे आप, ठीक। देखो, अतुल गिव्स विशु ए हेड स्टार्ट ऑफ 20 seconds इन 900 मीटर रेस। अतुल ने विशु को 20 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया। तो मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि एक बार तो आपको सिचुएशन देखनी है कि क्या चल रहा है, अदरवाइज जनरली पता क्या सिखा दिया जाता है, पहले ही क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है? फिर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ, देखो 20 में से 8 गया 12 और 189 में से 135 गया 54, तो 54/12 आपको दिख नहीं रहा है ये विशु की स्पीड है,
अच्छा विशु कितनी देर में कंप्लीट करेगा 900? तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। आपको लग नहीं रहा 9 × 54 = 12 200 सेकंड, 200 सेकंड यानी कि 60 से डिवाइड करो, 3 मिनट 20 सेकंड, 5 सेकंड का क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं होता है पेपर में। देखो अतुल गिव्स विशु, अतुल ने विशु को हेड स्टार्ट दिया, ठीक है, ऑफ 20 सेकंड, तो विशु को 20 सेकंड भागने दिया तो ये 20 सेकंड तक भाग गया। मैं तो लिटरली आपके सामने डायग्राम में ऐसे लिखता हूं, और आपको पेपर में लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो, और एक बार समझेंगे तभी। बिल्कुल एक पैटर्न हुआ तो हम देखते ही समझ जाएंगे, अरे ऐसे वाले तो सर ने कराए हैं, ये हम कर लेते हैं, अरे ये उसने नई सिचुएशन क्रिएट करी है तो हम समझ लेते हैं, ठीक। तो जल्दबाजी मत करो। विशु 20 सेकंड तक भागा, यहां तक पहुंचा था, तो फिर अतुल भी भाग पड़ा, लेकिन फिर भी अतुल ने उसको पीट दिया। देखो अतुल बीट सिम बाई 135 मीटर। विशु यहीं पर पहुंचा था, वीडेस यानी कि इसकी रेस खत्म हो गई, विशु यहीं पर पहुंचा था, अतुल एंड तक पहुंच गया, अतुल ने इसको हरा दिया 135 मीटर से, ठीक है जी। मेरी एक आदत है डिस्टेंस को ऊपर लिखता हूँ, टाइम को नीचे, क्योंकि डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है कई बार टाइम या स्पीड से, तो अब भी आदत डालोगे तो अच्छा रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ओके जी, ये सिचुएशन हुई। अब देखो वाइल्ड रनिंग द सेम रेस, दोबारा से सेम रेस को रन करने के लिए अतुल गिव्स, और मैं आपको ये बातें पता क्यों बताता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, 20 सेकंड में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तभी आप अवेयर रहोगे, आप बेवकूफ़ बनने से बच जाओगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, नहीं तो कब कहाँ किसकी जकड़ में आ जाओगे, कोई आपका दोस्त ही लाइब्रेरी में बोल देगा अरे हो तो रहा ऐसे करके हैं। तो ये भी जरूरी है। तो वाइल रनिंग द सेम रेस अगेन अतुल गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 180, फिर से रेस दौड़ रहे हैं तो अतुल ने इसको 189 मीटर का स्टार्ट दिया कि भाई 189 मीटर आगे भाग, ठीक है जी। एंड बीट सिम बाई 8 सेकंड, फिर से अतुल पहले पहुंच गया, ये पीछे रह गया, 8 सेकंड से हार गया। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, CHSL में आया, तो बना के फिर हमें पता चलेगा अच्छा ऐसे हो रहा है, सीधा करना थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, समझेंगे ना। इन हाउ मच टाइम कैन विशु कंप्लीट फुल रेस ऑफ 900 मीटर। अब एक बार इन सिचुएशन को कंपेयर करो, और हम क्या ही कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, सोचो। देखो शांति से देखो ऊपर वाली सिचुएशन में अतुल ने रेस पूरी करी है, अतुल जितनी देर में यहां से यहां तक गया, विशु उतनी देर में यहां से यहां तक गया है, उतनी ही देर में। देखो विशु भागा था, यहां तक पहुंचा था, फिर अतुल ने भागना स्टार्ट कर दिया, अतुल इसको क्रॉस करके खत्म गया, तब विशु यहीं पर था, इसको 135 मीटर से हरा दिया। तो जितनी देर में अतुल ने पूरी रेस करी उतनी देर में विशु ने ये रेस करी, ठीक है जी। जितनी देर में अतुल ने पूरी रेस करी उतनी देर में विशु इतना भागा, तो दोनों जगह अतुल पूरा भाग चुका है, और उतनी देर में विशु यहां पर इतना भागा, विशु यहां पर इतना भागा। तो अतुल जब पूरी रेस करता है उतनी देर में विशु जितना भी भागता वो सेम ही होएगा ना दोनों जगह, वो दोनों जगह सेम होएगा, ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि ये विशु ने सेम टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। क्यों? क्योंकि जितनी देर में अतुल भागा, अतुल ने पूरी रेस करी उतनी ही देर यहां पर विशु इतना, ये क्या है, ये विशु इतना भाग पाया था। जितनी देर में अतुल ने पूरी रेस करी उतनी ही देर विशु इतना भाग पाया था। तो जितनी देर में अतुल पूरी रेस करेगा उतनी देर में विशु जितना भागता है उतना ही यहां पर भागा, उतना ही यहां पर भागा। तो इन दोनों सिचुएशन में ये तो सेम है, फर्क है तो कहां पर है, यहां पर। अब देखो तो ये टुकड़ा तो सेम है, पूरी रेस है 900 मीटर की, तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, इनमें कुछ फर्क है। तो देखो ये डिस्टेंस नीचे वाले टुकड़े में ये वाला टुकड़ा कितना ज्यादा लंबा है, तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 3 गए 5, 54 मीटर लंबा है ये, तो फिर ये 54 मीटर छोटा होएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही मान लो चाहे कि कुछ टुकड़ा सेकंड में दे रखा है, ये विशु ही भागा है 20 सेकंड तक, और कुछ टुकड़ा ऐसे दे रखा है। तो इसको मैं आपको कैसे बताऊं, ऊपर वाले केस में मान लेते हैं, देखो ये 54 मीटर ज्यादा है, ये वाला टुकड़ा 54 मीटर ज्यादा है उससे, यहां पर 54 मीटर कम है, ऐसे मान लो यहां पर 54 मीटर कम है, तो यहां पर 54 मीटर ज्यादा भागा होगा इसके कंपैरिजन में यहां पर 54 मीटर कम है, इसके कंपैरिजन में यहां पर 54 मीटर ज्यादा भागा होगा वो बंदा। यहां पर 8 सेकंड लग गए, यहां पर 12 सेकंड ज्यादा लग गए, तो 54 मीटर ज्यादा भागने में 20 - 8 12 सेकंड ज्यादा लग गए उसको, यानी कि 54 मीटर भागने में 12 सेकंड लग गए। किसको लग गए? ये विशु को।
वीशु यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड भागा था, यहाँ से यहाँ तक 8 सेकंड भागा था। तो ये वीशु की स्पीड है, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रहा है वो, ठीक है। ओके जी, वीशु की स्पीड आ गई। क्या बोल रहे हैं वो, वो ये बोल रहे हैं वीशु 900 मीटर की रेस कितनी देर में दौड़ेगा। तो डिस्टेंस अपने पास है, स्पीड अपने पास है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है भाई, क्लियर है। 9 6 54 6 2 12 200 सेकंड, 200 सेकंड को 60 से डिवाइड करोगे तो 3 मिनट 20 सेकंड, ठीक। जैसे जब अगर मैं भी एक क्वेश्चन करूंगा तो मैं ये बनाता हूँ, कई क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं होती, उनमें आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समझाने में ऑफकोर्स मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लेना चाहिए, है? आप स्पीड को तेज कर ही लोगे, हाँ, बट प्रोसेस में वो फॉलो करता हूँ, जो प्रैक्टिकल है वो फॉलो करना पड़ता है, ईमानदारी से बताऊं। देखो, अमित एंड बिलाल बाय गुड्स फॉर 1500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। अमित मार्क्स हिज गुड्स अप बाय वाई परसेंट, वाइल बिलाल मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 2y% एंड देन ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इफ बोथ मेक्स द सेम प्रॉफिट, दोनों सेम प्रॉफिट होता है दोनों का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं सिचुएशन बता दूं कि 1500 रुपये का ये आइटम बेचता है एक बंदा, ये वाई परसेंट मार्कअप कर देता है और फिर बेच देता है, रेट को वाई परसेंट बढ़ा देता है, तो फायदा कितना होगा, वाई परसेंट होगा, ठीक है। तो इसको वाई परसेंट होता है, यानी कि 1500 का जो वाई परसेंट है वो इसको फायदा होता है, ओके, और उतना ही फायदा दूसरे को होता है क्योंकि दोनों के प्रॉफिट सेम है। तो 1500 का वाई परसेंट, और दूसरा बंदा क्या करता है, पहले तो 2y% मार्कअप करता है, फिर 5% डिस्काउंट देता है। तो यानी कि जो इसको खर्चा पड़ा था उसको पहले तो 2y% इसने बढ़ा दिया, ये मार्कअप हो गया, फिर इसके ऊपर इसने 5% का डिस्काउंट दे दिया। ओवरऑल कितना चेंज आया, आपको दो सक्सेसिव चेंज मर्ज करने आते, कर लोगे इस फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन 100। तो देखते हैं जी, तो मर्ज करते हैं, 2y - y, y माइनस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस होएगा, इंटू में 2y - y, 2y² बटे में 100। तो दूसरे बंदे को इतने परसेंट का फायदा होएगा, ठीक है। पहले वाले को y परसेंट का फायदा हुआ, तो 1500 का y परसेंट, 1500 का 1% क्या है, 15, तो y परसेंट कितना होगा, 15 * y, 1500 का y परसेंट बराबर है 2000 का 1% कितना है सर, 20, इतना परसेंट कितना होगा, 20 से इसको गुणा कर दो, ठीक है। इसमें से एक y तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 1 - y/50, एक y कॉमन क्यों लिया सर, कट रहा है ना ये, ठीक है। 5 * 15 = 5 * 4 = 20, ठीक है जी। 50 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, ठीक है, 50 * 50 कर दिया, बटे में 50 हो गया, ये 50 - y हो गया, ठीक है। 2 * 2 = 4, 2 से गया 25 पर, 25 को इधर लेकर आ रहा हूँ, 25 * 3 = 75, और ये 2 * 50 = 100 माइनस में 2y, ठीक है। तो 2y को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा जी 25, y की वैल्यू हो जाएगी 25/2, यानी कि 12.5। अगर आप ऐसे कर लोगे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आगे बढ़ जाएं। एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रोमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट, ठीक है जी। देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन ए स्कीम अपून विच ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट, पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेंड इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली, 13%। लेकिन इक्वेशन मैंने क्यों लिया 8 और 5 13, क्योंकि इसको जो अपने पास डाटा है उसके अंदर की भाई गलत कर रखा था बच्चों ने, इसलिए मैंने लिया। इसके अंदर काफ़ी सिली मिस्टेक की है बच्चों ने, हो सकता है आप लोगों ने, मतलब बच्चों ने 13.4 लगाया, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है उनको ये लगाओ इतना सिंपल कैसे हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, एस ने कुछ रुपया लिया आर से 8% इंटरेस्ट पर, तो ये आर है, इससे एस ने रुपया लिया 8% पर, तो एस जो है इसको 8% वापस देगा, ठीक है। फिर एस ने क्या किया, एन इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन ए स्कीम अपॉन विच ही अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट। एस ने एक जगह रुपया लगाया, पता नहीं कितने परसेंट पर लगाया, हमें पता नहीं, लेकिन इसने क्या किया, वहां से इसने जो भी रुपया कमाया उसके बाद इसने आर को पे कर दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, फाइनली इसके पास 5% रुपये बचे, फाइनली इसके पास 5% रुपये बचे,
बताओ इसने कितना कमाया। इसने 8% का ब्याज देना भाई, ठीक है, तो 8 और 5 13, इसने 13% आगे से ये कमा रहा था, 13% का ब्याज इसने कमाया है, ठीक है, इसको प्रिंसिपल भी लौटा दिया और इसको 8% रुपये भी दे दिए, इसके हाथ में सिर्फ 5% रह गए। ये सिंपल सी सिचुएशन है, सिर्फ इसलिए लिया, लगा मैं तो ये लेता भी नहीं, बट भाई कैंडिडेट्स का डाटा है अपने पास कि कौन से क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने रॉन्ग किया है या फिर अनअटेम्प्टेड छोटा है उसके ऊपर बेस्ड है। ये बताओ, अमित्स फादर इज एज्ड 5 times more। अमित का फादर जो है 5 गुना नहीं है, 5 गुना ज़्यादा है। हिंदी में इसने इसको कैसे बताया, अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। वैसे SSC की गंदी आदत है, वो कई बार 5 times more करके 5 टाइम, पहले मैंने एक आधे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें इन्होंने 5 टाइम ही कंसिडर कर लिया, बट चलो वो फिर रॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। ठीक है, अमित के फादर की उम्र 5 गुना नहीं है, 5 गुना होती तो अमित की उम्र होती 1 यूनिट और उनके फादर की एज होती, अमित की एज होती 1 यूनिट और फादर की एज होती 5 यूनिट, 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि इसका जो 5 गुना है उतना ही इसमें जोड़ो, तो यानी कि 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि इसका 5 गुना है 5, 5 ज़्यादा यानी कि 6, तो इनकी उम्र का रेशियो है 1:6। ठीक, ये आज की बात है, 0 साल, आज से 6 साल बाद ही वुड बी 3। अमित्स फादर इज एज्ड 5 times more देन अमित, अमित का फादर जो है 5 गुना ज़्यादा उम्र है उनकी, ठीक है जी, 6 साल के बाद ही वुड बी 3.5 times ऑफ अमित एज, अमित की एज के कंपेरिजन में वो 3.5 times होंगे, तो 3.5 times यानी कि 7/2 times, यानी कि अगर अमित की एज 2 होगी तो उनकी एज 7 होगी। तो सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनके बीच का गैप सेम करते हैं, इनके बीच का गैप 5 है, इनके बीच का गैप 5 है, सेम नहीं करना। अब हम ये टाइम कंपेयर करते हैं कि रेशियो के अंदर तो 6 और 7 एक यूनिट का फर्क है, लेकिन रियल में 6 साल का फर्क है, रियल चीज़ें 6 गुना, तो रियल चीज़ें बना लेते हैं फिर। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बना लेंगे आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स, फर्दर यानी कि उसने बोला 6 साल बाद ऐसा होगा और आगे 9 साल बाद, उसने ये नहीं बोला 9 साल बाद, और आगे 9 साल बाद, फर्दर वर्ड यूज़ किया है, हिंदी में क्या यूज़ किया है, उसके 9 और साल बाद, उसके 9 और वर्ष बाद, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 9 साल बाद बोल रहा है वो, ठीक है, देख लेंगे। तो रियल चीज़ें हैं 6 × 12 = 6, 7 = 42, इसके 9 साल और बाद इसकी तो उम्र हो जाएगी, मैं इसको बिना गुना किए भी कर सकता हूँ, बट ठीक है ऐसे अगर आप कर ले तो ये भी ठीक, रेशियो से भी निकाल सकते बिना के, पर क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को, उतना ही टाइम लग रहा है। तो 9 साल और बाद इसकी 51 हो जाएगी, इस भाई की 21 हो जाएगी, तो इसके फादर की उम्र इसके कंपेरिजन में कितनी है, तो ये देखो कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का कितने गुना है ये देखना है, तो 51 देखना है ना, इसके कितने गुना है, फादर की उम्र देखनी है ना कितने गुना है, तो फादर अपॉन अमित, फाइनल चीज अपॉन इनिशियल चीज, 3 से 17 पर, 3 से 7 पर, 7 × 14, 2/3/7 गुना है फादर की उम्र, दैट इज ऑप्शन डी। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा परसेंटेज में बार बार की फाइनल अपॉन इनिशियल क्यों बोल रहा हूँ, कई बार पूछता है छोटी छोटी चीजों पर ये आते हैं सवाल। डायमंड वर्क में उसने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, अब की बार है, द टैंक इज फिल्ड बाई 3 pipes विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स, तो डिफरेंट उनका रेट्स है, यूनिफॉर्म यानी कि एक पाइप में ये नहीं है कभी तेज पानी आ रहा है कभी मंदा, एक स्पीड पे आ रहा है, ठीक, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक, फ्लो रेट्स यानी कि जो पानी आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है अलग अलग पाइप में, अलग अलग पाइप की अलग अलग कैपेसिटी है, जैसे अलग अलग बंदे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 3 pipe है। वाइल द फर्स्ट 2 pipes आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, पहली 2 pipe साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रही हैं, अगर वाइल द फर्स्ट 2 pipe आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, अगर पहली 2 pipe इकट्ठी चलें, दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द 3rd pipe टेक्स टू फिल इट अलोन, वो 2 pipe जब भरेंगी तो वो उतना ही टाइम लेंगी इकट्ठी, अगर 2 pipe भरेंगी जितनी देर में 3rd pipe अकेली भरती है, यानी कि पहली जो 2 pipe, मैं ऐसे मान लूँ ये वाली पाइप ए है, ये बी है, ये सी है, ए और बी मिलकर जितने टाइम में भरते हैं उतने टाइम में सी भरते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सी की जो एफिशिएंसी है और ए और बी की एफिशिएंसी का जो समय है इक्वल है, इन दोनों से काम करवा लो या इस अकेली से करवा लो, यही वो बोल रहा है, ठीक है जी, ओके ओके ब्रदर, तो ये मैं कहीं पर लिख लेता हूँ, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 hours क्विकर देन द फर्स्ट पाइप, ये जो सेकेंड पाइप है ये पहले वाली पाइप से 5 घंटे क्विकर यानी कि जल्दी भर सकते हैं, यानी कि अगर ये x घंटे लेगी
तो ये x माइनस 5 घंटे लेगी, है ना, इससे 5 घंटे कम में बढ़ती है ये, ओके जी। येट 4 आवर्स स्लोवर देन द थर्ड पाइप, और जो थर्ड पाइप है आपको ये पता है सबसे फास्ट है, इन दोनों ये मिलकर काम करें उतना अकेले काम करती है, इससे 4 घंटे स्लो। स्लो में कई बंदे ये सोचते हैं कि घटा दो, अरे कोई बंदा स्लो है तो ज़्यादा टाइम लेगा ना, तो इससे 4 घंटे ज़्यादा लेगी, तो ये कितना लेगा, इससे ये 4 घंटे ज़्यादा लेगी, ये x माइनस 5 है तो x माइनस 9 हो जाएगी, इसमें से अगर मैं घटाऊंगा 4 घंटे तो ये आएगा, है ना। पर अभी x को छोड़ दो, एक बार रहने दो इसको, मैं अलग तरीके से करवाऊंगा आपको, मैं 3 तरीके से करवा दूँ ये सवाल, चलो पहले एक तरीके से करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहला जो आपको तरीका स्ट्राइक हो सकता है वो है ऑप्शन को यूज करने वाला, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो उसने क्या पूछा, अगर वो यूजेबल हुए तो व्हाट इज द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, पहली पाइप के भरने के लिए कितना टाइम होगा। तो पहली पाइप का टाइम पूछा, अगर वो कुछ अजीब सी चीज पूछ लेता, पहली पाइप जितने घंटे में भरती है उसको 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, फिर तो ऑप्शन यूज नहीं होगा, लेकिन अब तो हो सकता है तो देखते हैं। तो मान लो पहली पाइप को टाइम लगा है 18 घंटे, तो पहली पाइप को अगर 18 घंटे टाइम लगेगा तो उसे 5 घंटे कम, इसको लगेगा 13 घंटे, और इसको नीचे वाली से 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, इसको लगेगा 9 घंटे। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, देखो ये इनका टाइम है, अगर मैं आपको ये बोलूँ ये 18 घंटे में भर रही है 13 घंटे में, और मुझे पता है इन दोनों की एफिशिएंसी का सम इतना आना चाहिए, तो अगर आप टोटल इन तीनों का एलसीएम यहाँ पर लोगे, ए कितने यूनिट करता है, बी कितने यूनिट करता है, उन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आएगा, मुझे देख के ही पता लग रहा है, और ये पता लग सकता है ये 13 आया हुआ है यार इसके अंदर, इसका एलसीएम लोगे आप 18 × 13, अब ऐसे देख लो, चलो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, टोटल एलसीएम ले लिया 18 × 13, 18 से इसको डिवाइड करूंगा ये 13 यूनिट काम कर रही है, ये 18 यूनिट काम कर रही है, 9 से इसको डिवाइड करूंगा 9 × 18 ये 26 यूनिट काम करेगी, 13 और 18 का सम आया 26, नहीं। ठीक, ओके, तो पहला ऑप्शन कट कर दिया हमने, नहीं हुआ, ओके भाई, अगला ऑप्शन चेक करेंगे। पेपर में हम कैसे करेंगे, फर्स्ट राउंड में छोड़ देंगे, बाद में हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो ये 12 घंटे ले रही है, इससे 12 घंटे इससे 5 कम 7 घंटे, और ये नीचे वाली से 4 ज़्यादा, इस तीर को वैसे ऐसे बना देना चाहिए मुझे, ऐसे -4 इधर करके, तो ये लेगी 3, अरे 7 में से 4 घटाई दो, ये फास्ट है तो घटाई दो। ठीक है, तो अब आप वही करोगे कि टोटल काम तो हो जाएगा अपना 12 × 7 = 84। ठीक है, तो ये 7 यूनिट लेगी, ये 12 यूनिट लेगी, 3 से इसको डिवाइड करोगे 28 यूनिट करेगी 84 यूनिट भरने में, 3 से इसको डिवाइड किया 12 और 7 = 19, ये 28 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी कट गया। ठीक है, अगर मैं 9 ले लूँ इसको, तो 9 में से 5 कम 4, 4 से 4 कम 0, अब 0 घंटे में तो कोई नहीं भर सकता, ऐसा कैसे पानी फेंकेगा वो 0 घंटे में, यानी कि टाइम ही ना लगे, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एक बार करवा के भी दिखा देता हूँ, दूसरे तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ये भी बताना जरूरी है। अगर ये 15 घंटे लेगी तो इसे 5 घंटे कम, ये लेगी 10 घंटे, इसे 4 घंटे कम, ये लेगी 6 घंटे, तो 15, 10 और 6, तो ये आ गया जी 60 एलसीएम। ठीक है, 15 × 60, 10 × 6 = 60, 6 × 2 = 60, इन दोनों की यूनिट का सम ये आ रहा है क्या, हाँ जी सर आ तो रहा है, ये उत्तर है। क्लियर है, इज इट क्लियर, मैं आपको ये PDF दे दूंगा, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो इसीलिए अब मैं अलग वो ले लेता हूँ। ओके, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ, अब मैं आपको वो तरीका जो पहली बार देखते ही मुझे स्ट्राइक हुआ था जिस तरीके से मैंने किया, ठीक है, वो ये है कि आपको एक कंसेप्ट बता रखा मैंने कि मान लो दो बंदे हैं ए और बी, और ये ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन पहली बार आया, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है एसएससी में, आपको करवा रखा कि मान लो ये दोनों मिलके एक्स दिनों में काम करते हैं, और ए एक्स प्लस ए डेज लेता है और बी एक्स प्लस बी डेज लेता है। देखो दोनों मिलके अगर ये जितने भी दिनों में काम को करेंगे, ए तो ज़्यादा ही टाइम लेगा दोनों के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर दो बंदे हैं, और बी भी ज़्यादा ही टाइम लेगा अकेला करेगा तो, क्योंकि यहाँ पर दो बंदे हैं। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों मिलके एक्स दिन ले रहे हैं और ए का आपको पता लग गया एक्स प्लस ए डेज, बी का पता लग गया एक्स प्लस बी डेज, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और ये सिचुएशन आई भी है, एक दो बार नहीं कई बार आई है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है कि भाई हर शिफ्ट में ही आ रहा है, बट ये आई है कई बार। YouTube पर टाइम एंड वर्क कराया होगा अगर कोई एक्सटेंसिवली किसी वीडियो में, तो उसमें भी होएगा ये, और कोर्स में भी होएगा, फाउंडेशन में भी, टीयर टू में भी, हर जगह होएगा। ठीक, ओके, तो ये कैसे करेंगे सर, अब देखो उसने क्या बताया, उसने ये बताया है कि ए और बी अगर मिलकर काम करें
उतने ही टाइम में सी काम को कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि सी काम कर रहा हो या ए और बी मिलकर काम कर रहे हो, बात तो बराबर ही है। अब बोलोगे जी हाँ सर, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी सेम है, और डिट्टो इसी तरीके से क्वेश्चन पहले आया हुआ है एसएससी में जो मैंने आपको करवा रखा है, ऐसे ही करवा रखा है। ठीक, अब देखते हैं। तो उसने बोला है, क्या बोला है उसने, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स क्विक कर देन द फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप पहले वाले से 5 घंटे जल्दी में भर सकती है। यानी कि अगर ये एक्स घंटे लेगी तो ये जो है ये एक्स माइनस 5 घंटे लेगी, 5 घंटे जल्दी भरती है इसे। ठीक है, और 4 आवर्स स्लोवर देन द थर्ड पाइप, थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लोवर ये भर रही है। वैसे आपको पता है ये थर्ड पाइप या फिर दोनों का जो टाइम है, दोनों का टाइम कम ही होएगा, तो इसमें से 4 घंटे और घटा दो, ये आ जाएगा एक्स माइनस 9। भाई कम ही होएगा 4, अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत हो रही है 4 आवर्स स्लो और 4 आवर्स क्विकर में। ठीक है, इससे स्लो है ये वाली, तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगी, तो घटा हो गया। ओके ओके सर, लेकिन आपने जैसा लिखा है ऐसा कुछ तो नहीं आया। देखो आप क्या करो, आप एक्स माइनस 9 को टी मान लो, मान लोगे ओके जी, तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी भाई साहब टी प्लस 9। एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं आपके लिए सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मैं इसको भी तोड़ सकता था एक्स माइनस 9 प्लस में 4 ऐसे, बट मैं करना नहीं चाह रहा। तो एक्स की वैल्यू हो गई ये 9 उधर जाएगा टी प्लस 9, तो इधर हो गया टी प्लस 9, और एक्स की वैल्यू है टी प्लस 9, तो टी प्लस 9 माइनस में 5, तो ये हो गया टी प्लस 4। क्लियर है, तो ये आगे ना वही चीज़, जब भी ऐसा हो कि ये दोनों इतने इतने टाइम में काम कर रहे हैं और ये जो तीसरा जो काम है ये इन दोनों के काम के बराबर आ रहा हो, हमेशा ये सिचुएशन आ जाएगी जब भी वो ऐसे करके काम करता हो एग्जामिनर। तो अब मुझे पता है कि टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौके 36, इट इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 6। अब सब कुछ अपने सामने है भाई, तो अगर ये 6 है तो ये 6 और 4 10 है, ये 6 और 9 15 है, वो जो भी पूछेगा उसने ए का पूछा था, मैं डायरेक्टली ये निकाल सकता था कि भाई ये है इस सिचुएशन में, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ओके जी, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, तीसरा जो मैं बोल रहा था बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, तो x x माइनस 5 x माइनस 9 है ना, कि a x घंटे में करता है, ये x माइनस 5 घंटे में करता है, c x माइनस 9 घंटे में करता है, तो टोटल वर्क ये मान लो x इंटू एक्स माइनस 5 इन सब का, और आगे जब आप बढ़ोगे ये भी हो जाएगा, इन दोनों की जो भी एफिशिएंसी आएगी उसका सम जो है इसके साथ इक्वेट कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बता देता हूँ। और उसका उत्तर आया था x की वैल्यू आएगी 15 और 3 आएगी जहाँ तक मुझे याद है, तो x की वैल्यू 3 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 3 माइनस 5 माइनस 2 घंटे में कोई काम नहीं कर सकता, टाइम नेगेटिव चला गया है ना, तो x की वैल्यू 15 होएगी फिर, हाँ यही आएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, वो काम आप करोगे, आपका एस डब्ल्यू है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू 9,60,000। पी एंड क्यू सेव्स, पी सेव करता है 64% और 44, क्यू सेव करता है 44% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज। अगर पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5 गुना है क्यू के एक्सपेंडिचर का, तो पी का एक्सपेंडिचर कितना है, पी की सेविंग इतनी है, तो 100 में से 64, पी की एक्सपेंडिचर है पी का 36% ऑफ पी, पी की इनकम मैंने पी मान ली 36% ऑफ पी, और क्यू का एक्सपेंडिचर कितना है, क्यू की सेविंग इतनी है 100 में से 44 गया 56, 56% ऑफ क्यू, ये क्यू का एक्सपेंडिचर है। तो ये बोल रहा है कि जो पी का एक्सपेंडिचर है वो क्यू के एक्सपेंडिचर से 3/2 गुना है, इसका 3/2 गुना है इसका एक्सपेंडिचर, ये परसेंटेज है, परसेंटेज कट गया, कंफर्टेबल हो इसमें, 4×9=36, 4 से जाएगा 14 पर, 2 से जाएगा 7 पर, क्यू को मैं ले आऊँ, ये 3 से काट देते हैं, 3×3=9। ठीक है, क्यू को मैं ले आऊँगा नीचे, ये आ गया 7/3, पी और क्यू की सैलरी का रेशियो मिल गया, और उन दोनों का सम भी हमें पता है, वॉट इज, अच्छा सेल का रेशियो ही पूछा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये करो जरा पॉज करके ट्राई करो। ए ट्रेडर ओज ए मर्चेंट इतने रुपए ड्यू इन 1 ईयर। अब इसका क्या मतलब होता है ड्यू इन 1 ईयर, हिंदी में होगा एक वर्ष में बकाया है या फिर एक वर्ष में देय है, देय यानी कि देय, इसकी बात करो, एक वर्ष में देने हैं हमने ये रुपए। तो इसका यह मतलब होता है, मान लो आज आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए और जो रेट है
वो है 10% पर एनम ब्याज का रेट, जिस रेट पर आपने उधार लिए। तो आप ये बोल सकते हो, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आज मैंने 100 रुपये लिए हैं और 10% पर एनम पर मैंने लिए हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैंने एक साल में इन रुपयों को देने का सोचा है, एक साल में 110 रुपये देय हैं, 110 रुपये ड्यू हैं। एक आपने उसको बोला मैं पक्का तुम्हें एक साल में दे दूंगा, ठीक है, आपने हिसाब लगाया कि 110 बन गए, फिर आपके कितने रुपए ड्यू हैं? जैसे जैसे टाइम करीब आएगा आपके दिमाग पे रहेगा यार 110 रुपये ड्यू हैं, 110 रुपये ड्यू हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आपने 100 रुपये लिए, 10% पर लिए, तो एक साल में 110 रुपये ड्यू। अगर आप 2 साल में देने की सोचोगे तो 2 साल का ब्याज लगा दो, 2 साल में 120 रुपये ड्यू हैं। तो ये है, ठीक है, यानी कि वो बंदा अगर एक साल में देगा तो इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। क्लियर है कंसेप्ट, हमने पहले भी अच्छे से किया है। ओके, तो इतने रुपए ड्यू हैं यानी कि ब्याज लगा के हैं, ये एक साल का ब्याज लगा के एक साल में ड्यू है। तो फिर ट्रेडर ये चाहता है कि यार 6 महीने में ही सेटल कर देते हैं हम, क्यों एक साल तक सिर पे ब्याज चढ़ाया। ठीक है, तो अगर एक साल में इतने ड्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, तो 100 प्लस 9 यानी कि 109% की वैल्यू है। तो अगर तभी तो एक साल में इतने ड्यू है, अगर 109% की इतनी वैल्यू है तो 1% की कितनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, हमें 100% नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है कि अगर वो 6 महीने में देगा तो 6 महीने में देगा तो कितने दे देगा। अगर एक साल की रेट 9% है तो 6 महीने, एक साल का आधा होता है, तो 9% की हाफ यानी कि 4.5% दे देगा। ठीक है, या तो आप यहां पर ऐसे लिख लोगे कि 104.5% देने हैं। देखो 109% की ये वैल्यू है, ठीक है, 1% की ये वैल्यू है, अगर 6 महीने बाद देंगे तो 6 महीने में 4.5% ब्याज लगेगा, 104.5% देने। यहाँ पर तो ये इससे कट रहा है, हर जगह ये कटता नहीं है, जैसे ये इससे 9 पर जा रहा है, ठीक है, इस 0 से ये पॉइंट कट गया, तो उत्तर आ गया 9 5 45 4, 9 4 36 और 4 40, 9 1 9। एक तो इसको इस तरीके से कर लो, या फिर आप ये कर लो, बात सेम ही है कि भैया 109% की वैल्यू तो मुझे पता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 9000। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये एक साल के बाद के अमाउंट को डिनोट करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है कि एक साल में इतने देने हैं, एक साल में प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर, तो यानी कि आपने इतने रुपए उधार लिए हैं, तो 6 महीने बाद दोगे तो 4.5% ब्याज लगेगा, तो इसका 1% है 90, इसका 4.5% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 9 5 45, 9 4 36 और 40, ये प्रिंसिपल है, इतना ब्याज लग जाएगा, 9405 रुपये दे दो। ठीक है, क्लियर है। ये शॉपकीपर हैज, तो हाँ भाई ये वही क्वेश्चन आ गया, ये एग्जामिनर ने ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यहाँ पर उसने अलग तरीके से सोल्व कर दिया, यहाँ पर उसने अलग तरीके से सोल्व कर दिया, तो इसको भी हम चाहें तो रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। वैसे मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ उसने कैसे किया, बट फिर भी उतना क्लियर नहीं है, उतना साफ उसने एक क्वेश्चन नहीं बता रखा, मैं आपको बताऊँगा तब आपको पता चले। देखो एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है, ए शॉपकीपर हैज़ ए फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन 3 kg वेट, 3 kg वजन में 100 ग्राम का फॉल्ट है, ठीक, ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटैटो टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट ₹4.46। उसने सेम वेट को यूज करके 3 किलो आलू बेच दिए, कितने रुपए में बेच दिए, 46 रुपये में बेच दिए, ठीक, 46 रुपये उसने ले लिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटोज फॉर द सेलर वाज ₹12 per kg, जो कॉस्ट प्राइस था वो 12 रुपये per kg था। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न ऑन दीज पोटेटो, ऑन द पोटेटोज, पोटेटोज के ऊपर उसको कितना फायदा हुआ, ये रुपीज में बताना है। तो अगर रुपीज में बताना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस लिखूंगा और सेलिंग प्राइस लिख दूंगा, सिंपल सी बात है। ओके जी, तो इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, चलो पहले मैं ये करवा दूँ फिर तभी आपको समझ में आएगा। तो 1 किलो वो कितने के लेके आया, 12 रुपये के लेके आया, तो 3 किलो कितने के लेके आया होगा, वो 36 रुपये के लेके आया, 36 रुपये उसका खर्चा हो गया। कितने में उसने बेच दिए, तो देखो उसने जो पोटैटो बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं, लाइक कितने पोटैटो बेचे हैं, 100 ग्राम का फॉल्ट है उसने बता रखा है, कम है वैसे,
एसओ की प्राइस मैंने तो बाय डिफॉल्ट कम मान लिया था, क्योंकि भाई बेईमानी करते हैं तो कम ही रहता है। फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन 3 kg वेट, उसने फॉल्ट बताया ना। अगर उसने ये बताया होता कि मैंने चीट किया है तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेते कि कम है, कम ही किया होगा वेट को, लेकिन सिर्फ फॉल्ट बताया, तो फॉल्ट का मतलब क्या, गड़बड़ी है, तो वो कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि तो ये भी दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस वजह से ये भी आप रॉन्ग बोल सकते हो। एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि भैया वेट जो है वो जो फॉल्ट है उसके कारण वेट कम है कि ज़्यादा, मैंने तो बाई डिफॉल्ट कम माना, उससे उत्तर आ रहा है ठीक। अगर वो चीटिंग बोलता तो फॉर श्योर बंदा कम तोल के दे रहा है ठीक है। तो अब ये देखो, उसने 3 kg बोल दिया सामने वाले को कि मैं तुम्हें 3 kg दे रहा हूँ, और उससे 46 रुपीज ले लिए, लेकिन फिर भी उस भाई के घर में 100 ग्राम पोटैटो बच गए। क्यों बच गए सर? क्योंकि 100 ग्राम का फॉल्ट है ठीक है। उसका वेट 3 kg से 100 ग्राम कम तोलता है, जब वो 3 kg तोलता है तो वो ये 100 ग्राम भी बेचेगा। हाँ जी सर, वो ये 100 ग्राम भी बेचेगा। अगर 1 किलो पोटैटो 12 रुपये के हैं, यानी कि 1000 ग्राम पोटैटो 12 रुपये के हैं, 1000 ग्राम में से 10 कम होगी, तो 100 ग्राम पोटैटो इसमें एक के बाद पॉइंट लगा दो, 1.2 रुपये के होंगे। तो उसने ये पोटैटो तो किसी बंदे को बेचे उसने ठीक है, और जो 100 ग्राम घर पे बच गए वो भी उसने बेचे हैं फिर ठीक है। रुको रुको रुको, ये 100 ग्राम पोटैटो ये इसके घर पर मान लेते हैं ना। हाँ ठीक है, यही है। तो जो उसके घर पर जो पोटैटो पड़े हैं वो इतने रुपये के पड़े हैं ठीक है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर उसको 10 रुपये का फायदा हो गया, और उसके घर पर अभी 1.2 रुपीज़ के पोटैटो पड़े हैं, तो इन दोनों को जोड़कर एग्जामिनर ने बोला है 11.2 रुपीज़। ये उसका उत्तर है ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरे दिमाग में एक और बात आई है, ये उसका एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये पोटैटो उसने बेचे नहीं है, फिलहाल ये उसके पास पड़े हैं ठीक है, 1.2 रुपीज़ के पोटैटो है ना। उत्तर यही है इस क्वेश्चन का, ऐसे ही आएगा। अगला देखते हैं हम, क्योंकि कई क्वेश्चन है ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है ठीक है। ये देखते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन किसी स्टैंडर्ड पैटर्न पर नहीं है। जैसे अगर हम प्रॉफिट या लॉस देखेंगे तो ऑफकोर्स हम कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पर देखा गया, तो हम देखते हैं उसकी बात मानते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज के क्वेश्चन में हम एग्जामिनर की बात समझते हैं कि क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करते हैं ठीक। तो ये मत सोचना कि सर आप ये बताओ ना ये होता कैसे है, उसकी बात क्यों बोल रहे हो, वो कहना क्या चाह रहा है उसकी सेंस तो हम समझेंगे ना ठीक। ओके जी, इस सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर ₹95 इंस्टीड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg। 1 kg में 20 कुकीज आती हैं वैसे, लेकिन इसकी जगह उसने 19 कुकीज बेच दी भाई ठीक है, चीटिंग ए कस्टमर। व्हाट इज द गेन इन रुपीज, रुपीज में कितना गेन होगा इफ द सेलर बोट द कुकीज फॉर ₹76। अगर सेलर ने जो कुकीज हैं वो 76 की खरीदी थी, तो 76 उसका कॉस्ट प्राइस है। अब मैं देखता हूँ कि भैया कितने की उसने बेच दी ठीक है, तो उसने बेच दी है जी 95 रुपीज़ की। अब ठीक है मेरे ख्याल, हाँ फिर तो वो दोनों सेम तरीके से उसने शायद आंसर किए हैं। देखते हैं, तो 19 कुकीज़ उसने बेच दी है जी 95 की ठीक है। अब उसके पास एक कुकी और पड़ी हुई है ठीक है, तो वो एक कुकी, वो 20 कुकी लेकर आया था इतने रुपए की, 20 कुकी लेकर आया था ना इतने की, तो एक कुकी कितने की पड़ेगी, 74/20, 2 से 38 पर 3.8, इतने की कुकी उसके घर में रखी हुई है। तो यहाँ पर उसको कितने का फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर उसको फ़ायदा हुआ है 15 में से 6 गए, 9, 8 में से 7 गए, 19, 22.8 का, 22.8 का। हाँ मैं यही सोच रहा था कि हाँ उसने सेम ही तरीके से आंसर किया दोनों क्वेश्चन ठीक है। पहले जब मैं ये सॉल्व कर रहा था मैं ये सोच रहा था, क्योंकि अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं, कि उसने इन दोनों क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया, नहीं उसने सेम तरीके से सॉल्व किया। और उसने कैसे सॉल्व किया है कि ये जो है, ये जो उसके घर में चीज़ बच गई, ये इतने रुपये की चीज़ है, ये भी उसका फ़ायदा है 1.2 रुपीज़ का, इतने रुपये उसने बचा लिए।
ठीक है। इस क्वेश्चन को हम रॉन्ग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसने फॉल्ट जो है बताया नहीं, वेट में क्या फॉल्ट है। गलती का मतलब हो सकता है कि भाई ज़्यादा भी तोल दे उसका वेट, कम भी तोल दे, तो इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो भी बच्चे आगे एग्जाम देंगे। ठीक है भाई। ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स। एक बंदा है 30 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर वापस आ जाता है, 14 घंटे लगते हैं। सेम डिस्टेंस जाता है, सेम डिस्टेंस आ जाता है, एक तरफ डाउनस्ट्रीम पड़ेगा, एक तरफ अपस्ट्रीम पड़ेगा। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ वो 10 किलोमीटर चला जाता है पानी के साथ, एट द सेम टाइम, ऐसे इन द सेम टाइम आएगा। वैसे शायद एग्जामिनर ने एट लगा दिया, मतलब साथ में ही इंग्लिश का पेपर लेता है वो है, और मैथ में ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है। इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, जितने टाइम में वो स्ट्रीम के अगेंस्ट 4 किलोमीटर जाता है, तो सेम टाइम में एक स्पीड से 10 किलोमीटर डिस्टेंस करता है, एक स्पीड से 4 किलोमीटर। तो जहाँ पर ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी इन डिस्टेंस का रेशियो है वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा, जितनी ज़्यादा स्पीड सेम टाइम में उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस। तो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ऑफ कोर्स डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये अपस्ट्रीम की स्पीड है 10:4, तो इनका रेशियो है जी 5:2। तो इसको मैंने 5x मान लिया, इसको 2x मान लिया, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो दो तरीके से बताऊंगा। पहले एक तरीका देखो, देखो 30 किलोमीटर गया कितनी स्पीड से, 5x की स्पीड से, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम, इतना टाइम लगा होगा। 30 किलोमीटर गया 2x की स्पीड से, इतना टाइम लगा होगा, ठीक। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार वो डिस्टेंस को बदल देता है, वो ऐसे बोल देता है 30 किलोमीटर गया पर 40 किलोमीटर वापस आया, कि 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 14 घंटे में कवर करता है। तो डिस्टेंस बदल जाए तो ये बेसिक सी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, 30 किलोमीटर 5x की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, टोटल टाइम मिलाकर 14 घंटे है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अगर डिस्टेंस अलग अलग भी ट्रेवल करे घबराना नहीं, बस यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, ये सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। तो 5 6 30, 2 से जाएगा जी 15 पर, 15 प्लस 6 किस बटे में x इज इक्वल टू 14, तो 7 × 14 7 3 21, एक्स उधर ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ जी दिख रहा है, एक्यूरेसी खतरनाक है ना मेरी, बिल्कुल पिक्चर के ऊपर आया, नहीं तो छिप जाता, ठीक है। x की वैल्यू 3/2 होगी। अब वो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, तो अगर आपको बोट की स्ट्रीम निकालनी है तो डाउन प्लस अपस्ट्रीम बटे में 2 करते हैं, इनका सम बटे 2 करते हैं। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो इनका डिफरेंस बटे 2, तो इनका डिफरेंस है 3x बटे में 2। एक्स की वैल्यू मुझे पता है 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 इंटू 3/2, 9/4, ठीक है भाई। मैं बोल रहा था एक और तरीके से बताऊंगा, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है ना भाई, उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस 5x की स्पीड से कवर किया और वही 30 किलोमीटर 2x की स्पीड से कवर किया, तो सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पर, 2ab अपॉन ए प्लस बी 7x, ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है, ओके। और इस जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर आया 60, तो टोटल डिस्टेंस है 60 और टाइम कितना लगा 14, तो ये भी एवरेज स्पीड आ गई। मैंने एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड से इक्वेट कर दिया, ठीक। तो ये भी आप इजीली कर लोगे, x से x गया 7 × 14, ठीक है, 2 से ये गया मेरे भाई, जो भी आप निकाल लोगे, x की वैल्यू 3/2 आएगी, फिर ये कर लोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, अब क्वेश्चंस थोड़े से इजियर साइड पर हो रहे हैं ना, तो वही है मुश्किल क्वेश्चन। अगर आप 36 शिफ्ट में से निकाल रहे हो तो मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, मान लो दो पोर्शन है ना अपने पास, अरिथमेटिक है एडवांस है, DI मैं अलग से करवाऊंगा, अरिथमेटिक का पार्ट है बट मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा था, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई भी है यूट्यूब पर। तो इन लगभग आप ये मान लो अरिथमेटिक एडवांस और DI सब में मिलाकर
सारे अगर आप टफ क्वेश्चन वाकई के टफ छाटोगे कि जो वाकई में आपको तंग करेंगे एग्जाम में, पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो तंग करेंगे, हो सकता है ना भी हो एक आधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको पहले नहीं करना, बाद में टाइम बचा के करना है। तो आपको एक शिफ्ट में एक से लेकर डेढ़ क्वेश्चन की ही एवरेज मिलेगी, ठीक। इफ राम परचेजिस, अगर क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए, अगर कोई शिफ्ट आपकी यार ये तो टफ है, तो तीन क्वेश्चन की एवरेज मिल जाए बस। लेकिन उसमें 22 क्वेश्चन करने वाला भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठाकर 50 में से 50 से ज्यादा नंबर ले जाएगा, वो उसमें 22 करने भी 50 25 में से 25 करने के बराबर आएंगे। टफ शिफ्ट आई है भाई, उसके तीन क्वेश्चन टफ आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है अपनी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अपनी शिफ्ट के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बाद में टफ शिफ्ट है उसका असर अपने दिमाग पर नहीं होने देंगे, बाद में हमें फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। ओके, इफ राम परचेजिस ए फैन, रुको एक मिनट रुको भाई, इफ राम परचेजिस ए फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट, हाउएवर इफ ही परचेजिस थ्री फैंस, अगर वो तीन पंखे खरीद ले, He gets 6% on the first, 10% on the second and 12% on the third. Okay. If the price paid by the Ram for three fans is this, then what will be the marked price of each fan? तो हर एक फैन का marked price क्या होगा? देखो, जो discount मिलता हो किस पर मिलता है? Marked price पर। अपने पास तीन पंखे हैं, तीनों का marked price सेम है, उसने ये तो नहीं बोला अलग अलग पंखे, हाँ जी तीनों का marked price सेम है। एक बार इसी वैल्यू का 6% डिस्काउंट मिल रहा है, एक बार आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार इसी वैल्यू का 10% डिस्काउंट मिल रहा है, एक बार इसी वैल्यू का 12% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और अलग अलग प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, आपको एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो इनकी एवरेज निकाल दो, क्योंकि सेम वैल्यू का परसेंटेज है, एवरेज निकाल दो, जोड़ो तीन से भाग कर दो। ऐसे ही एवरेज डिस्काउंट निकालना है क्योंकि मार्केट प्राइस सेम है, जोड़ो तीन से भाग कर दो। तो 12 और 6, 18 और 10, 28, 28 बटे 3, इतने परसेंट का एवरेज डिस्काउंट पड़ रहा है उसे, ठीक है। तो देख लेते फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, ओके जी, 100 से भाग कर दिया तो 4 × 7 = 28, 4 से जाएगा 25 पर, तो 7 रुपये का डिस्काउंट पड़ रहा है भाई को 75 रुपये की चीज़ पर। यानी कि अगर ये मार्केट प्राइस है तो ये डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस चीज कितने की पड़ रही होगी, 75 की चीज पर 7 का डिस्काउंट, 15 में से 7 गए 8, 68 रुपीज की पड़ रही होगी, सब कुछ अपने सामने। अब उसको तीन पंखे पड़े हैं इतने के, हाँ जी सर, तो 68 यूनिट की वैल्यू 6800 है, तो 75 यूनिट की वैल्यू 7500 होगी, लेकिन ये 75 जो है ये तीन पंखों का मार्केट प्राइस है। क्यों भाई? पूरी ट्रांजेक्शन का वो है ना ये सेलिंग प्राइस, ये पूरी ट्रांजेक्शन का मार्केट प्राइस है, पूरी ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट है, पूरी ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट निकाला हमने, एवरेज डिस्काउंट, कि पूरी ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ उन्होंने एवरेज, ठीक है। तो एक पंखे का मार्केट प्राइस हो जाएगा जी 2500, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ तो आप कमेंट करके बताओ यार, मेरे को याद आई। आप देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो वाकई में मानते हैं कि मैं ठीक ठाक गाइड कर रहा हूँ, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो बिकॉज आप लोगों के भी फायदे की बात है जब आप कमेंट करते हो, कमेंट करने का मेरा ये मतलब नहीं है कुछ भी कमेंट कर दो, मतलब कहने का मतलब ये है फीडबैक दो, और तो क्या ही कमेंट करोगे, ठीक है। फीडबैक दो, फीडबैक देने से दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक तो मेरे तक आपका फीडबैक पहुंचता है तो उससे मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। फीडबैक कैसा भी दो, अच्छा लगा अच्छा दो, कोई बात इम्प्रूव करने की सलाह हो वो दो। दूसरा, और काफ़ी बच्चों को अच्छा लगता है वो ये बताते हैं सर अच्छा लगा, तो उससे क्या होता है वो फ्यूल है मेरे लिए, एक वैलिडेशन मिलती है, सबको अच्छा लगता है ना कि हाँ यार सही जा रहा है, मतलब एक बात आप तक पहुँच जाएगी कि हाँ इनको सब समझ में आ रहा है, तो एक वैलिडेशन मिल जाएगी कि हाँ राइट रास्ते पर हैं, वैसे खुद भी पता चल जाता है बट सर्कल कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ आपने वहाँ से बोल दिया, ऐसा लगा था कि हाँ ठीक बात सही पहुँच गई, ठीक है भाई। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो प्लीज़ क्या होगा, अपना ये जो काम है ये इम्प्रूव होता रहेगा फिर,
ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन बताओ, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 और 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं, एक टैंक को 20 और 30 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है जी। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया जी 60, 20 30 60 30 60। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, बट वेन द टैंक इज 1/3 फुल, जब टैंक 1/3 फुल था, 1/3 यानी कि जब 20 यूनिट भरी थी, तो 20 यूनिट कितनी देर में भर देंगे, ये 3 और 2 5 यूनिट भर रहे हैं, तो 5 यूनिट भर रहे हैं तो 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। 4 घंटे में इन्होंने 20 यूनिट भर दी, ठीक है। तो 20 यूनिट भर दी, 40 यूनिट अभी भी खाली पड़ा है। ए लीक डेवलप्स, एक लीक डेवलप हो जाता है, ठीक है, थ्रू विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाई बोथ द पाइप्स गोस आउट, जिसके थ्रू 1/4 पानी वेस्ट जा रहा है, अपना बाहर चला जाता है 1/4 पानी, ठीक। तो सिर्फ 3/4 पानी यूज हो रहा है, जितना पानी हम भर रहे थे उसका सिर्फ 3/4 टंकी भरने में यूज हो रहा है, ठीक। फाइंड द टोटल टाइम इन आवर्स टेकन टू फिल द टैंक। तो पहले हम 3 और 2 5 यूनिट फिल कर पा रहे थे 1 घंटे में, अब हम सिर्फ इसका 3/4, क्योंकि 1/4 वेस्ट हो गया, 5 दिए 15/4 इतनी यूनिट ही भर पा रहे हैं। कितनी यूनिट भरनी है सर? 40। तो 40 बटे में 15/4 इतना टाइम लग जाएगा बचा खुचा काम करने में। इन दिस टाइम द बचा एंड खुचा वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो 32/3, तो 10 2/3 घंटे लगेंगे, ठीक है, यहां पर लगेंगे इस काम को करने में। 4 घंटे पहले लगे थे तो 14 2/3 टोटल टाइम पूछा है ना, देखो रिमेनिंग करने में पूछा होता 10 2/3 हो जाता, उसने तो ऑप्शन में दिया नहीं, अदरवाइज दोनों देने चाहिए हमेशा। एग्जामिनर भी मकरा मार रहा है, ये नहीं कि दोनों दे दूं। देखो इजी क्वेश्चन है भाई ये, बट वही बात है, टॉप क्वेश्चन में क्यों आया है, जो आप लोगों ने गलत किए हैं वो आया है। डेटा के अकॉर्डिंग पिक्ड हैं क्वेश्चन। ए थीफ टेक्स ऑफ ऑन हिज बाइक एट ए सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग ए पुलिस कार एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। थीफ ने 250 मीटर दूर पर एक पुलिस की कार देखी और वो भाग लिया। ए पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ एंड कैचिज हिम इफ द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बींग कोट। हुआ क्या, देखो यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, चोर भागा इस तरफ और यहाँ पर पकड़ा गया, पुलिस भी भागी इस तरफ। तो चोर ने, चोर और पुलिस के बीच में 250 मीटर का गैप है, चोर कितनी दूर भागा पकड़े जाने से पहले? सर 1500 मीटर भागा। तो जितनी देर में चोर ने 1500 मीटर भागे, उतनी देर में पुलिस ने 1500 प्लस ये 1750 मीटर भागे, सेम टाइम में इन्होंने, चोर ने इतना डिस्टेंस, पुलिस ने इतना डिस्टेंस। अगर टाइम कॉन्स्टेंट हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का, जिसकी ज़्यादा स्पीड उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं थीफ और पुलिस। थीफ ने किया भाई 1500, पुलिस ने किया 1750, 0 से 0 गई, 25 सिक्के 150, 25 7 150, इनकी स्पीड का भी यही रेशियो होगा। ये बोल रहे पुलिस की स्पीड तो 70 है, इसकी 10 गुना, तो चोर की स्पीड भी 10 गुना हो जाएगी भाई, 60 हो जाएगी, ऑप्शन बी। ओके आगे बढ़े, ये बताओ भाई, इफ़ ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.8 पर केजी, इतने रुपए पर केजी पर शुगर बेच रहा है शॉपकीपर, ही इज एबल टू मेक 12% प्रॉफिट। तो वो 12% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस का 112% है, ठीक है। ड्यू टू वाटर सीपेज, पानी की सीपेज, यानी कि पानी आ गया उसकी चीनी में, चीनी खराब होगी, 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड, 1/5 चीनी खराब होगी, ठीक है। वट शुड नाउ बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर टू हैव 5% प्रॉफिट। तो देखो भाई, अगर मैंने जो आपको पहले ये खराब होने वाले क्वेश्चन करवाए होंगे तो आप बहुत ही इजीली इसको कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। देखो अपने पास कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। देखो क्या क्या फैक्टर हैं, एक तो 12% प्रॉफिट कमा रहा था, अब उसे 5% प्रॉफिट कमाना है, एक तो ये है, प्रॉफिट में बदलाव आ गया, एक तो इसको डील करेंगे, एक दूसरा ये चीनी खराब हो गई इसको डील करेंगे, दोनों चीज़ों को अलग अलग डील करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 44.88 लिख दिया। देखो कुछ चीज़ें डायरेक्टली वेरी करती हैं, कुछ इन्वर्सली वेरी करते हैं, वेरिएशन का क्वेश्चन करवाया ना, तो उसी की अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये कितने परसेंट की वैल्यू है, सर ये तो 112% की वैल्यू है, 12% प्रॉफिट के बाद इतने में बेच रहा है,
मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है? सर 5% प्रॉफिट कमाना है। तो ये 112% की वैल्यू है, मैंने 112 से भाग किया, 1% की वैल्यू आ गई, ये 105% की वैल्यू आ गई। अगर उसकी चीनी ना खराब हुई होती तो ये उत्तर होता, 12% फायदा हो रहा था, 105% फायदे में बेचना है, बट भाई की चीनी खराब होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो आपकी आधी चीनी खराब हो जाती, आधी, तो मैं ये बोलता कि आपको फायदा नहीं कमाना, पर आपकी आधी चीनी खराब होगी, तो फायदा नहीं भी कमाना हो तो आपको रेट कितना करना पड़ेगा? दोगुना। फायदा नहीं भी कमाना हो तो भी दोगुना करना पड़ेगा। अगर आपको अपने रुपए भी निकालने हैं, जितने रुपए आपके दुकान में फंस गए, अगर आपकी 1/3, अगर मैं ये बोलूं आपकी 1/3 चीनी खराब हो गई, तो आपके पास सिर्फ 2/3 चीनी बची है, तो आपने 2/3 चीनी से ही सब कुछ कमाना है। फायदा नहीं कमाना, पर अपने रुपए तो निकालने हैं, तो बिकॉज आपकी चीनी 2/3 हो गई, तो जस्ट इस लॉस को कवर करने के लिए इसको उल्टा कर दो, आपको रेट 3/2 करना पड़ेगा। भाई रेट को 3/2 करना करने से आपको फायदा नहीं होगा, बस ये जो चीनी कम हुई है ना, जो खराब हो गई, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो यहां पर 1/5 चीनी खराब हो गई, तो बची कितनी चीनी? 4/5। तो 4/5 चीनी में से ही सारा दाम निकालना है, तो अगर फायदा भी नहीं कमाना तो एटलीस्ट ये जो खराबी है इसे पूरी करने के लिए 5/4 तो करना पड़ेगा रेट को, नहीं तो बात नहीं बनेगी। छोटा सा ये अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक। ये हर एक बार मैं आपको बताता हूँ जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये ऐसे करेंगे, ठीक करते हैं। फिर ये सीधा एक स्टेप में, जैसे ये क्वेश्चन देखेगा आपको ऐसे करना है, सिर्फ इतना लिखना है। देखो मैं सिर्फ इतना लिख के निकल सकता था कि नहीं, बट मेरी आदत नहीं, पता नहीं मेरे से होता नहीं भाई। तो आप वीडियो को तेज स्पीड में देख लिया करो, मैं आपका नुकसान कभी नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालता हूँ कि मतलब 100% फायदा हो उसका। चलिए जी करते हैं इसको, 112 से 112 और 4 ये हो गया 448, तो 5 से मैं काट दूंगा 2, पर 2 से ये 52.5 उत्तर आ गया भाई, उत्तर 52.5, 105/2। ठीक आगे बढ़ जाए, अगर आप मुझे तेज तेज देखना चाह रहे हो स्पीड में तो वीडियो की स्पीड डबल कर लो, क्योंकि अगर मैं तेज हो जाऊंगा अपनी तरफ से फिर समझ में नहीं आएगा कितना तेज हो जाऊं, आपको नुकसान है। ये देखो समरीड सेल्स ए कीबोर्ड फॉर 1260 एट प्रॉफिट ऑफ 25%, दूसरा कीबोर्ड बेच दिया इतने रुपए का, इतने के लॉस पर, व्हाट इज हर टोटल गेन और लॉस परसेंट, गेन और लॉस परसेंट कितना होगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मेरे हिसाब से इसलिए होएगा, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है, इसलिए होएगा, बच्चों ने इसलिए गलत किया है कि उन्होंने इसको कॉस्ट प्राइस मान लिया होएगा, उन्होंने ऐसा कर दिया होएगा, इतने पर इतने का फायदा, इतने पर इतने का फायदा, बल्कि उसने इतने का बेचा है। तो हमें शांति से करना है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है तो किस पर निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और उसका कॉस्ट प्राइस भी देखूंगा। तो पहले वाली सिचुएशन शांति से ही कर लो, किसी शॉर्टकट की तलाश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1260 इसका सेलिंग प्राइस है, तो मैं निकाल रहा हूं जी इसका सेलिंग प्राइस, 25% फायदे के बाद बेचा है, यानी कि 125% की वैल्यू है, तो मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं 100% की वैल्यू। तो 25 चौके 25 पंजे 5 दुनी 10 4 दुनी 8 8 चिक्के 48 4 12 96 और 4 1008, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। इसको फायदा कितना हुआ? इसका 25%, ठीक है, इसका 25%। तो इजीली निकाल लो, इसका 1/4 है तो बाद में निकाल लेंगे, या फिर निकाल लेते हैं यहीं पर, 1/4 करना है तो 1000 का 1/4 करोगे 250, और 8 का 1/4 करोगे 2 252 का फायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस भी आ गया, फायदा और नुकसान भी आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड कंडीशन के अंदर भाई उसने इतने में बेचा, बट ये 10% के लॉस पर बेच रखा है, यानी कि ये 90% की वैल्यू है, तो 90% की ये वैल्यू है। तो देखो निकालने को मैं कितने का नुकसान हुआ, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ इंटू 10 या इंटू 8 करके, बट कॉस्ट प्राइस भी तो निकालना है, और इसका शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है, बट उसकी नीड नहीं है ना भाई, ऐसे सिंपली समझ के कर तो ले रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें हम क्यों रट के रखें। तो 1600 हो गया, इसका 10% कितना होगा? 160, और नुकसान हुआ ये ध्यान रखो, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ये हो गया 1600 2608, ठीक है जी, ये मैं यहीं पर लिख लेता फिर। ओवरऑल नुकसान हो गया जी 2600, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गया 2608, इन दोनों को जोड़ा
और ओवरऑल हुआ है फ़ायदा, तो 200 तक जाने में इसके लगेंगे 40 और उसके तो 92 का फ़ायदा हुआ। मैंने क्या किया, मन ही मन में ऐसे देखा 200 से एक तो 40 कम है ये बंदा, और ये बंदा 52 ज़्यादा है, तो 52 और ये जोड़ दिया तो 92 के फ़ायदा हुआ। जब भी ऐसे देखना होता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि नीचे वाले का 10% कितना है, 260, 260 से कम है ये, हाँ जी सर, तो छोड़ो। फिर मैं देखता हूँ 1%, 1% है 26, 26 थी 78, 3% गेन। हालांकि अपने उत्तर ऐसे हैं कि हमको क्लिक नहीं करने देंगे, बट ये चीज़ सीख लो अप्रोक्सीमेशन करने की। ओके, तो अब तो भाई एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा। चलो होता हूँ, जिस हिसाब के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 4 से जाएगा 23 पर, 4 छिके 24, 4 पंजे 20, 4 दुनिया 8, फिर से 4 पर से कट जाएगा 25, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 4 थे 12, 163 भी 2 में है, ठीक है, हमें हुआ है गेन, लॉस तो हुआ नहीं, ये वाला उत्तर है। देखो 163 नीचे एक में ही है, ठीक है, और 163 ये मैंने मन में एक और नज़र मारी है कि 6 और 3 9 और 1 10, 9 से डिविजिबल नहीं है, फिर ये कट के 27 आ भी नहीं सकता, ठीक है, अदरवाइज इसे कर लोगे यही आएगा उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, अब जो मैंने दो क्वेश्चन आपको समझाए थे, जो मुझे लग रहा है कि पता नहीं उतने अच्छे समझ में आया कि नहीं, वो फीडबैक देना, अगर वो आया है तो इसीलिए ज़रूरी होता है फीडबैक, उन्हीं के ऊपर बेस्ड एच डब्ल्यू दो क्वेश्चन करवाए देने, बहुत सारे क्वेश्चन आए तो काफ़ी एच डब्ल्यू दूंगा। एक ये करो, कमेंट करना है कि 28वें क्वेश्चन का ये उत्तर है। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन का ये उत्तर है, कमेंट करना है। अब आगे बढ़ रहा हूँ, 30वें क्वेश्चन का ये उत्तर है, कमेंट करना है। उसी तरीके से होगा, उसी टाइप का है ना, एट द एंड ऑफ द, हाँ ठीक है। 31st क्वेश्चन, कमेंट में उत्तर लिखना है। 32 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आए हैं देखो उस तरह के इन शिफ्ट में। आगे बढ़ जाऊँ, अब फिर से करना स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स, तो ये क्या सिस्टम है, एक बार मैं यही बता देता हूँ आपको पोर्टफोलियो क्या होता है। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है पता है, मान लो मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ रुपए रखे कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, मेरे को स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं शेयर खरीद लेता हूँ एक कंपनी के, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लगा दिए, मैंने 2 लाख रुपए के यहाँ पर शेयर खरीद लिए हैं, 5 लाख रुपए के यहाँ पर शेयर खरीद लिए, और यहाँ पर फिर से 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, ठीक है। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है, ये कंपनी डी है, तो मैं ये बोलूँगा कि यार मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 10 लाख का है, यानी कि जो भी मैंने रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसमें से इतने परसेंट तो कंपनी ए में है, इतने टाटा के शेयर खरीद रखे हैं, इतने रिलायंस के खरीद रखे हैं, इसने उस कंपनी के खरीद रखे हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जो आप रुपए लगाते हो, ये कई सारी ऐप हैं कि टोटल जो आपने रुपए लगा रखे हैं उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो, कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है, कितने परसेंट इक्विटी में लगा रखा है, कितने परसेंट कहाँ पर लगा रखा है, तो ये बात कर रहा है। पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं होनी चाहिए, बट ये टर्म आपको अनकम्फर्टेबल भी ना करे इन फ्यूचर, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो बोले तो अलग अलग जगह रुपए डाल रखे हैं, कोई किसी स्पीड से, अब मान लो कुछ रुपए मैंने बढ़िया कंपनी में लगा दिए जिसकी ग्रो होनी थी, वहां पर क्या हुआ, ये रुपए मेरे 20% से ग्रो हो गए एक साल में, एक मैंने गंदी सी कंपनी में लगा दिए हैं जो बेईमानी करती है लोगों के साथ, बाद में पकड़ी गई वो, और यहाँ पर मुझे 10% का नुकसान हो गया, तो मेरे ये रुपये 20% की स्पीड से बढ़े, ये रुपये 10% की स्पीड से घटे, ये सिस्टम है बस, तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स, तो 4 स्टॉक में बंदे ने रुपए डाल रखे हैं, स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या है, जितने भी रुपए बंदे ने लगाए हैं उसकी 20% रकम उसने स्टॉक ए में लगा दी। मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाए तो उसका 20%, 2 लाख रुपए मैंने स्टॉक ए खरीद लिया, मैंने 2 लाख रुपए का, तो और स्टॉक ए ने रिटर्न दी है 6% की। रिटर्न क्या होती है, ये रिटर्न होती है कि भाई 6% की रिटर्न दे दी, यानी कि 6% बढ़ गया उस चीज़ का प्राइस, 6% फ़ायदा दे दिया उसने मुझे, मैंने जितने भी रुपए लगाए थे 6% का फ़ायदा दे दिया, उसको बोलते हैं कि कितने की रिटर्न मिली स्टॉक मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में।
तो यहां पर मैंने जितने भी रुपए लगाए वो 6% से बढ़ रहे हैं। तो स्टॉक बी के ऊपर जो रुपए लगाए, जो मैंने टोटल रुपए लगाए उसका 30% स्टॉक बी पर लगाया। यहां पर एक मच्छर बैठ के लिख गया, मतलब हद है, हद है। ऑनलाइन एजुकेशन में मच्छर भी पढ़ा रहे हैं भाई, वो ये स्क्रीन टच है इसलिए लिख के चला गया वो। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज ए रिटर्न ऑफ 8%, 8% का रिटर्न है। ये रुपए 8% से बढ़ेंगे एंड स्टॉक सी 20% ये बढ़ेंगे जी 4% से, और स्टॉक डी में 30% रुपए इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है 5% का, यानी कि 5% का घाटा हो गया। ठीक है, चलो ये बात आ ही गई है तो आप लोगों को एक बात बता दूं, पूरी जिंदगी याद रखना, पूरी जिंदगी। ठीक है, कभी भी आपको कहीं पर भी पूरी जिंदगी में ये लगे, कोई बंदा ये बोले ऐसे ऐसे कर लो बहुत जल्दी रुपए कमेंगे, आप काफी जल्दी करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाओगे, कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम की जल्दी से अमीर होने वाली स्कीम 100% फ्रॉड होती है। अगर रुपए कमाना इतने इजी होता तो आप तक वो बात नहीं पहुंचती और लोग अमीर हो जाते, आपको क्यों बताते हैं? कोई किसी को क्यों बताएगा, खुद ही कमाने में बिजी हो जाएगा। याद रखना, कभी ना कभी हो सकता आपको जिंदगी में कोई ना कोई टकरेगा, अभी आप तैयारी कर रहे हो उस वक्त मेरी ये बात याद रखना। कोई आपको कोई भी तरीका बता रहा है ना कि इस तरीके से जल्दी से अमीर बना जा सकता है अदर देन मेहनत की, अरे ये बहुत अच्छी है ये कर लो इतने रुपए लगा दो, फ्रॉड है 100% गारंटी का। हर एक चीज, ये सारी चीजें के अंदर, ये नहीं मैंने रुपए लगाए मैं क्यों लगाऊंगा, मैं बेवकूफ तो नहीं हूं, हाँ बट मैंने उनको एनालाइज किया है, देखा उनको समझा है। ठीक है, क्लियर है, देर इज नो इजी मनी। रुपए के पीछे लोग बुरी तरह पागल हैं, क्यों छोड़ेंगे इजीली हमारे लिए, ठीक है, मेहनत करके कमाए। चलिए जी, तो सिंपल सी बात यह है भाई, जितने भी रुपए हमने लगाए हैं उसमें से 20% रुपए बढ़ रहे हैं 6% की दर से, 30% रुपए बढ़ रहे हैं 8% की दर से, 20% रुपए बढ़ रहे हैं 4% की दर से, तो कितने रुपए में कितनी ग्रोथ है ये मैटर नहीं करता। हमें तो सर सिर्फ रेशियो चाहिए, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट याद आ गया, हमें तो सर सिर्फ रेशियो चाहिए। दो हिस्से 6% की दर से बढ़ रहे हैं, 3 हिस्से 8% की दर से बढ़ रहे हैं, इसको आप ऐसे ही मान सकते हो। 2000 रुपए लगाए 6% की दर से बढ़ रहे हैं, 3000 रुपए 8% की दर से, 2000 रुपए 4% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर, 3000 रुपए 5% का घाटा दे रहे हैं, तो बताओ ओवरऑल कितना फायदा है नुकसान होगा। समझ गए, क्वेश्चन इजी था, बट इन फ्यूचर ये ऐसी ऐसी चीजें कई बच्चों को तंग कर देती हैं, ये रिटर्न क्या है, स्टॉक सी क्या है। ठीक है, ओके, तो 2 6 12 3 8 24, 2 4 8 3 5 15, बट्टे में 2 हिस्सों पर इतने रिटर्न, 3 हिस्से पर इतने परसेंट की ग्रोथ, या जो भी इतने परसेंट का चेंज बढ़े या घटे, ओवरऑल कितने हिस्से हैं, 2 + 3 + 2 + 3 = 10, ये है आपका उत्तर। 24 और 15 मिलाकर क्या देंगे, 9, 12 और 8 20 और 9, 29/10, 2.9%। ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक आगे बढ़ते हैं। और एक और बात बता दूं, ये बहुत सारी ऐप हैं, इस स्टॉक में रुपए लगा दो, उस स्टॉक में रुपए लगा दो, ऐसे अमीर हो जाओ, डे ट्रेडिंग कर लो, सारी बकवास है, सारी बकवास है। कोई भी चीज़, जैसे कई लोगों ने क्या कहा था, क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाए थे, अब कहाँ है क्रिप्टो करेंसी, गुम गई ना। मैं पूछता था कि यार क्रिप्टो कैसे काम करती है मुझे बताओ, भाई तुम रुपये लगा रहे हो अपने दोस्तों से, वो समझा ही नहीं पाते थे। मैं कह यार मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मतलब एग्जैक्टली क्यों रुपये बढ़ेंगे, तो बोले यार तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बताएं, ये वो, मतलब तुमको भी नहीं आ रहा, तुम बता नहीं पा रहे, और जिस चीज़ में को समझ में तुम लोगों को नहीं आ रहा जिस चीज़ का, उसमें क्यों तुमने 1 लाख रुपए लगा दिए। तो जिंदगी में ये कुछ चीज़ें आपके काम आएंगी, अगर आपको अभी पता भी नहीं है तो भी ये काम आएंगी। शेयर मार्केट में भी घुसो तो इन फ्यूचर कभी भी रुपए लगाओ तो सिर्फ इंडेक्स फंड पे लगाना, तो इन फ्यूचर देख लेना इंडेक्स फंड क्या है, और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, आगे बढ़ते हैं। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस, हर एक मंथ एक बंदा 20 kg चावल खा जाता है, ठीक है, 8 kg ऑफ वीट, 8 kg वीट खा जाता है, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, क्या खा जाता है वो, राइस खा जाता है 20 kg और वीट खा जाता है वो 8 kg, ठीक है, ये मैंने kg लिख रखा है क्वांटिटी।
द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द वीट। अगर वीट का प्राइस 5 यूनिट है तो इसका प्राइस इससे 20% यानी कि 1/5, इसलिए मैंने 5 लिखा इसका 1/5। ये अगर 5x रुपए का आता है तो ये 1x रुपए का आता है, ये इनका प्राइस है जी। ओके, रिजल्टिंग इन ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 रुपए पर मंथ। तो देखो राइस के ऊपर कितना खर्चा आता है, 20x × x और 8×5 = 40x। ये 20x और 40x मिलाकर हो जाता है जी 300 रुपये। आप ऐसे करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है। ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर जो खर्चा है यहाँ पर जो खर्चा है मिलाकर 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। ओके, इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या है, प्लस टोटल खर्चा 300। इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाई 20%, अगर वीट का प्राइस 20% बढ़ गया, यानी कि इसका प्राइस 20% बढ़ गया भाई, ठीक है। वट परसेंट ऑफ रिडक्शन इन राइस कंजप्शन इज नीडिड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ 300। देखो हुआ क्या, इसने आगे एक कंडीशन भी बताई है गिवन दैट, तो मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, बट इसका उत्तर इतना इजीली निकाला जा सकता है कि यहां पर 20% बढ़ गया प्राइस किसका, वीट का, तो 40x के लिए जो भी 20% की वैल्यू होगी उतना रेट बढ़ गया। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कम चावल खाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास हैं इतने ही रुपए, 300 ही रुपए। तो यहाँ पर कई बच्चों को तो ये लगेगा कि ये 20% बढ़ गया, ये 6/5 गुना हो गया, तो ये 5/6 गुना हो गया। एक तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि चीज़ें गुणा में नहीं है, जमा में है। ऐसा कब होता है, जब ऐसे होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू सी बी, या फिर और अच्छा एग्जाम्पल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कि लेंथ जो है वो 20% बढ़ गई, तो आप क्या करते हो कि अच्छा 6/5 गुना हो गई, तो ब्रेड्थ 5/6 गुना हो जाएगी, यानी कि एक कम हो जाएगी 6 पर 16.6 टाइप से, क्योंकि ये चीज़ें गुणा में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी, इन दोनों का सम। तो मैं ये यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर, देखो मान लो आपकी पॉकेट मनी फिक्स है, आपको 300 रुपये खर्चने हैं और आप दो चीज़ों पर खर्चते हो। अगर एक चीज़ का रेट 10 रुपये बढ़ गया, या फिर एक चीज़ आपने 10 रुपये ज़्यादा की खा ली, तो दूसरी चीज़ कितने रुपये कम की खाओगे ताकि 300 ही खर्चा हो, सिंपली 10 रुपये कम की। एक चीज़ 10 रुपये ज़्यादा ही खा ली आपके पास तो 300 ही रुपये, तो दूसरी 10 रुपये कम की खाओगे। तो यहाँ पर चीज़ जितनी बढ़ी उतनी ही यहाँ पर घटेगी। तो क्या सर 20% उत्तर है, नहीं नहीं रे पगले, रुलाएगा क्या, रुपये में सेम है परसेंटेज में नहीं। तो 40x के लिए जो वैल्यू 20% है, कुछ रुपये हैं वे 40x के लिए 20% है, 40 बेस मानना है हमने परसेंटेज निकालने का, 20x के लिए वो क्या होगा, वो 40% होंगे। तो 40% कम करना पड़ेगा उत्तर इसका 40। डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कितनी फास्ट निकाला जाएगा अगर हमें समझ में आ गया, ठीक। देखो मान लो एक बंदा है जिसकी इनकम है 40,000, एक बंदा है जिसकी इनकम है 20,000। तो 40,000 वाला बंदा बोल रहा है मैं तो सिर्फ 20% रुपये खर्चता हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स खाने पे। तो 40,000 इनकम का 20% निकालोगे तो जो रुपये आएंगे आपको 20,000 इनकम, क्योंकि उसकी इनकम कम है, तो उसको उसका डबल, बिकॉज इसकी इनकम हाफ है तो उसको डबल परसेंटेज निकालना पड़ेगा अगर उतने ही वो ड्राई फ्रूट खाना चाह रहा है, समझ गए। किसी की इनकम डबल है वो अपना 5% खर्चता है, तो किसी की इनकम हाफ है यानी कि उस बंदे से, तो उसको उतने ही रुपए खर्चने हैं तो उसको 10% खर्चना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा और डीप जाना चाहता हूँ जानबूझ के, टाइम पास नहीं करना चाह रहा मैं। देखो ये जो 40x आया है ये इन दोनों के प्रोडक्ट से आया है, तो उसने क्या बोला है, उसने बोला वीट का प्राइस बढ़ गया, ये रुपये बढ़ गए, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो इन दोनों में जो भी चेंज आएगा ना भाई वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होएगा। अगर रुपये 20% बढ़ गया रेट, तो ये पूरी चीज़ 20% बढ़ जाएगी। अगर ये 20% बढ़ गया, ये 10% बढ़ गया, तो 20 और 10 पे सक्सेसिव लगाओगे ये पूरा 32% बढ़ जाएगा, ऐसे है। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है क्या आगे कि ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें उसने चेंज बता दिया ये भी चेंज होगा तो फिर चेंज कुछ और होगा। ये उसने कॉन्स्टेंट बोला ना वीट का, कंजप्शन ऑफ वीट, जस्ट कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका, और ज़्यादा उत्तर तो आ चुका है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर जो भी चेंज होगा ये 20% बढ़ गया, ओवरऑल जो उसका खर्चा है वीट पर वो 20% बढ़ गया। अब जितना भी रुपया उसका खर्चा बढ़ गया उसको एग्जैक्टली उतने रुपये का खर्चा कम करना पड़ेगा, यहाँ से कम करेगा वो,
तो जो चीज़ 40x के लिए 20% है वो 20x के लिए 40% होगी, यहाँ पर 40% कम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वो अपनी कंजप्शन कम करेगा, उसने बताया होगा कि रेट कांस्टेंट है, गिवन दैट द प्राइस ऑफ द राइस इज कांस्टेंट, क्योंकि भाई प्राइस भी कम होएगा तो भी तो खर्चा कम हो सकता है, तो उसने बोला प्राइस कांस्टेंट है, जो भी खर्चा कम करना है इसके कारण होएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये आ रहा है। अभी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में उतनी नहीं बैठेंगी जितनी मेरी बातें नॉर्मली बैठती हैं, क्योंकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये पोज करके आपको खुद भी सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा भाई एक्स वैक्स लेकर कर ले, एक्स की वैल्यू निकाल कर, हो सकता है उससे और ईजी कई लोगों को समझ में आए। 20x 40x तो ये कितना हो गया 60x, तो 60x इक्वल टू 300। मैंने भी एक्स निकाल के किया नहीं था, मुझे देखा अच्छा इसमें से 20% घटा 40 उत्तर उठा लिया मैंने क्वेश्चन। एक्स इजिकल टू 5, तो एक्स की वैल्यू 5 है, इसका रेट है 5 रुपये और इसका रेट है 25 रुपये, यानी कि 25 × 8 = 200, 200 रुपये खर्चा हो रहा है भाई का वीट पर और 100 रुपये खर्चा हो रहा है यहाँ पर। अब पता चला कि भाई साहब इसका तो प्राइस बढ़ गया 20%, अब या तो आप इसका 20% बढ़ा लो या ओवरऑल इसका 20% बढ़ा लो, यार रेट बढ़ा तो ओवरऑल खर्चा ही बढ़ जाएगा, तो इसका 20% कितना है 40 रुपये, 40 रुपये खर्चा बढ़ गया, ये 240 हो गया तो इसको 40 कम करना पड़ेगा, तो 40 जो है वो कितने परसेंट है इस 100 का, 40% ही तो है, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 35, ए सेल फोन इज अवेलेबल ₹4,600 और ₹4,300 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विद 360 टू बी पेड आफ्टर टू मंथ्स। क्या बोल रहा है दुकानदार, बोल रहा भैया तो 600 रुपये दे दे, या फिर एक काम कर 300 रुपये दे दे आज ही और 360 रुपये दे देना 2 महीने बाद, या तो 600 रुपये दे दे या फिर एक काम कर अभी 300 दे दे, 360 2 महीने बाद दे देना, ठीक है। दुकानदार रुपये तो पूरे वसूल करेगा, तो सेल फोन 600 का है, 300 तो उसने आपसे अभी ले लिए, 300 आपने और देने हैं, अगर आप आज ही देना चाहोगे तो आपसे 300 लेगा, लेकिन उसने ये बोला अच्छा आज तू 300 नहीं दे सकता भाई, तो एक काम कर इस 300 की जगह 360 दे दे 2 महीने में दे दे, तो उसने 60 का ब्याज ले लिया आपसे। ये काम आप सारे मेंटली भी कर सकते हो, बट समझा रहा हूँ, उसने आपसे 60 रुपये का ब्याज ले लिया 300 पर, कितने परसेंट ब्याज ले लिया, आप बोलोगे सर 60 / 300 का 1% कितना है 3, इतने परसेंट ब्याज ले लिया, लेकिन ये ब्याज कितने महीने में लिया 2 महीने में, और रेट जो है उसने पूछा रेट कितना है, तो कई बच्चे मेरे ख्याल यहीं पर 20% ही उत्तर मार देंगे इसका। अच्छा इसी कारण ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आया होगा, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर ये बताया, आपको ध्यान आएगा कि रेट जो है वो बाय डिफॉल्ट पर एनम ली जाती है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बोला कि रेट पर एनम बताओ या कैसे बताओ, सिर्फ रेट पूछ लिया, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि रेट पर एनम ही बताई जाती है, भले ही कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली हो, बंदा बताता है कि रेट इज 10% पर एनम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बताने की। अगर आपको सेमी एनुअली करना है तो भाई कर लो आदि, ठीक है, तो रेट पर ईयर की बताई जाएगी, तो 2 महीने में इतनी रेट है, तो 12 महीने में कितनी होगी, 2 महीने का 6 गुना है 12 महीने 6 गुना, एक्चुअल रेट ये होगी 120%। अब आगे से ध्यान रखोगे, जिन लोगों ने गलत किया वो ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो अगर मैं कभी भी आपको छोटी से छोटी कोई भी चीज़ रेट के ऊपर इस टाइप से पहले क्वेश्चन नहीं आया, ये बेसिक्स इस टाइप से कि उसने रेट परसेंट पर एनम करके ही वो पूछता है, अब की बार उसने नहीं बोला, हिंदी में पूछा नहीं पूछा, बट मैं ये चीज़ बताता हूँ कि रेट स्टैंडर्ड ऐसी है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि वो सेंसिबल है बतानी, तो मैं अगर कोई भी छोटी बात आपको बताता ना आपको सीरियसली लेनी है, क्योंकि आपको लगे या ना लगे वो सीरियसली लेने की बात है, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक। और जो मैं नहीं बता रहा, जो मैंने छोड़ दी कोई फैंसी मेथड मैंने कहीं पर छोड़ दिया, तो वो छोड़ने का इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर आर इन दिस रेशियो, पी क्यू और आर की इनकम इस रेशियो में है भाई, और उनके एक्सपेंडिचर इस रेशियो में है, तो इनकम्स 10, 12 और 9 इस रेशियो में है, और एक्सपेंडिचर हैं भाई 12, 15, 8 इस रेशियो में। ये एक अलग रेशियो है, हाँ जी सर ये एक अलग रेशियो है, हो सकता है यहाँ पर चीज़ें ऐसी हों, ये बंदा कमा रहा हो 10 करोड़, ये 12 करोड़, ये 9 करोड़, और इनके एक्सपेंस हो 12 लाख 15 लाख 8 लाख, कौन जाने, ठीक है। तो यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग है, यहाँ का अलग है, तो हम इन रेशियोज को आपस में यूज़ नहीं कर सकते, जब तक वो कोई रिलेशन ना बताए इन रेशियो में और हम उसको मर्ज कर लें तो वो बताएगा।
उसने बोला क्यू जो है वो सेव करता है 25% ऑफ इस इनकम। तो अगर क्यू 25% सेव करता है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, एक्सपेंडिचर 75% होगा। तो क्यू का एक्सपेंडिचर 75% है, यानी कि ये जो 15 है ये 75% है इस 12 का। तो यहां पर मैंने आपको पहले एक टेक्निक बताई है, अभी यूज करेंगे। देखो इसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आप लेने को ऐसे ले लो 10x 12x 9x, इसको ले लो 12y 15y 8y, इस रेशियो का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्योंकि रियल चीजें कितने गुना रेशियो से हमें नहीं पता, लेकिन आप मत लिखो ना एक्स वाई, आप मन ही मन में ये मान लो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आई, यानी कि यहां पर होगा 12i, और इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ई, यानी कि यहां पर होगा 15i। उसने ये बोला है ये जो भी वैल्यू है इसका 75% है ये, यानी कि इसका 75% यानी कि 3/4 है ये। इसको सॉल्व करो, पहले भी कई बार आई है ये सिचुएशन, याद होनी चाहिए आपको। 3 × 5 = 15 = 12। तो आई बटे में ई इज इक्वल टू 5/3, आई की वैल्यू 5, यानी कि इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5, तो मैं 5 गुणा कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने रेशियोज को मर्ज कर लिया, इनकी जो भी कंडीशन थी सेटिस्फाई कर लिया, अब मैं आपस में यूज कर पाऊंगा। ई की जगह 3, तो 3 × 12 = 36, 15 × 3 = 45, 24। वो बोल रहा है इनकी सेविंग का रेशियो बता दो भाई, सेविंग इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी, 50 में से गया 14, 8 − 45 = 15, 45 − 21 = 14, 15 = 21, ऑप्शन बी। ठीक है ब्रदर, ठीक क्या है, ओके। सो भाई दैट्स ऑल, कॉन्ग्रेट्स, पूरी वीडियो रगड़ दी है आपने, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए एडवांस मैथ्स के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस की, ठीक है। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंसेप्ट को सिखाऊँ आपको, कोई कंसेप्ट आपको आता है स्किप मत करना, तेज़ करके देख लो वीडियो को, यूट्यूब पे 2 गुना तो आप कर ही सकते हो स्पीड को, ठीक है। और आप सीरियस एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली आपकी ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जो मैंने आपको बताया है टेलीग्राम पर जो PDFs हैं उनको कैसे यूज़ करना है, बीच में वीडियो के बताया है उनको वैसे यूज़ करना। बाय बाय, टेक केयर।